चलो गुड मॉर्निंग। चलो आज हमारा पहला क्लास है कॉस्ट का, सीएसीएम इंटर का बैच का। अब देखो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे आज जो तुम लोग पढ़ने आए हैं सीएसीएम में उसके बारे में, उसके बाद बात करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट उसके बारे में, पर वो सबके पहले 2 मिनट अपने बारे में जिससे तुम लोग पढ़ने आए हैं। अब देखो लोचा ये था ना कि जब एडमिशन का टाइम चल रहा था लोग आके मेरे से पूछते थे भैया बताइए रंजन सर कहाँ है। तो देखो ये मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे को जरूर एकदम पहचान लेना कि भाई हम खुद ही रंजन है। इनफैक्ट ऐसा ऐसा लोग मेरे से काम कर रहे हैं भैया लाइट जला दीजिए ना, भैया पानी का बोतल दे दीजिए ना, भैया वॉशरूम कहाँ है। तो ऐसा मत करना, हम खुद रंजन है। इनफैक्ट हम सोचा था आज पहला क्लास है तो एक काम करें थोड़ा फॉर्मल्स पहन के आए, पर कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम डेली ऐसे ही आने वाला है कैजुअल्स में, बस चेहरा ध्यान रखना। इनफैक्ट 2 दिन पहले हम नीचे जा रहा था, कोई एक जन मेरे से पूछा भैया रंजन सर, हम लोग ऊपर बोले ऊपर गए, हम लोग ऊपर नहीं पास लगे। तो भाई आज तक मेरा आइडेंटिटी बहुत लोग पहचाने भी थे, ऐसा नहीं है यूट्यूब में वीडियो देखकर, पर बहुत लोग मेरे से आगे पूछते थे तो हम रंजन। चलो तो मजाक का बात, सबसे पहले हम 2008 में सीएससीएस दोनों क्वालिफाई किया, इसके बाद हम पीडब्ल्यूसी में आर्टिकलशिप किया 3 साल, उसके बाद आईटीसी में जॉब किया 1 साल, उसके बाद अर्नस्ट इंडियन ट्रांजेक्शन एडवाइजरी सर्विसेज दिल्ली के अंदर में हम काम किया 3 साल। सो फाइनली सारा काम जो मेरा अच्छा खासा जॉब चल रहा था सब छोड़ छाड़ के 2013 में 2013 में फाइनली पढ़ाने के लिए आया। अभी चल रहा है 2023, सो 10 साल पार हो गया, 11th ईयर रनिंग है और टचउड बहुत सारे अच्छे लोगों को पढ़ाने का मौका मिला। अभी तक एक्सपीरियंस जबरदस्त था, फैंटेस्टिक था और होपफुली आगे भी अच्छा रहेगा। अब देखो आगे अच्छा रहेगा नहीं रहेगा वो डिपेंड करेगा तुम लोग पे, पर हम श्योर आगे का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहने वाला है। अब एक छोटा सा बात, एक सेकंड, और तुम लोग को वहां कुछ दिखे नहीं ना, तुम लोग उधर भी आ सकते हैं, वहां पे स्पेस है, बस तुम लोग को थोड़ा पूरा यहां से घूमते हुए आना पड़ेगा। एक छोटा सा बात, अब देखो हमारे सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट, और एक बार के लिए मज्यूम करेगा यहां पे कॉस्ट के बारे में किसी को कुछ आइडिया नहीं है। एक मिनट, किसी का कॉस्ट कभी जीवन में पहले पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है कहां? 12 में, 12 में कॉस्ट पढ़ लिया कॉलेज में। कुछ लोग बोले हम लोग का बीकॉम में ये पढ़ा हुआ है कॉस्ट, तो मेरा पहला क्वेश्चन उठता है बीकॉम में लोग पढ़ते भी हैं? या फिर को पहली बार पता चला, पर अगर बाईचांस किसी का पहले पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, एक बार का मज्यूम करेगा किसी को कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं पता। ये मेरा एक बार का अजम्पशन रहेगा, कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं पता, नया सब्जेक्ट है, पढ़ते पढ़ते कहीं पे भी डाउट आए, कहीं पे भी डाउट आए आराम से मेरे से पूछना। देखो मेरे से ना घबराने का कुछ नहीं है, ये बात हम आज बोल तो देता है और 4 दिन बाद हम रियलाइज करते हैं कि भैया ये हम बोल तो देते हैं पर बाद में हम रियलाइज करते हैं यार हम ये बोला क्यों, बाद में लोग मेरे से सही में डरना छोड़ देते हैं। तो एकदम घबराने का नहीं है, कहीं कोई भी डाउट है आराम से मेरे से पूछना, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो जब पढ़ने के दौरान डाउट आए तुरंत मेरे को रोक के पूछना। काफी लोग ऐसा होता है नहीं, इतने बड़े क्लास में पूछेगा तो थोड़ा अजीब लगता है, क्लास के बाद पूछना, अगर बाईचांस क्लास के बाद शर्म आए क्लास के पहले पूछना जल्दी आकर, अगर बाईचांस उसमें भी शर्म आए मेरे को टेलीग्राम करना, अगर बाईचांस उसमें भी शर्म आए अपने फ्रेंड के द्वारा पूछवाना, और अगर बाईचांस उसमें भी शर्म आए तो भाई बताओ और क्या करें। तो देखो एक सीधा नहीं, देखो लोग का टेंडेंसी क्या होता है ना, लोग को लगता है यार अगर हम बाईचांस ये डाउट पूछ लिया तो बाजू वाला क्या सोचेगा। यकीन मानो बाजू वाला भी ये सोच रहा है बाजू वाला क्या सोचेगा। तो इसीलिए अगर बाईचांस तुम लोगों का कोई डाउट आता है अगर पूछेगा तो हो सकता है तुम लोगों का भी क्लियर हो जाए, और जो पास में बैठे हुए शायद 7-8 लोग हो उनका भी डाउट क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल चाप नहीं लेना, आराम से डाउट पूछना। एक मिनट, इधर में स्पेस है यहां पर, हाँ यहां पर हो। देखो प्लीज टाइम पे आना नेक्स्ट डे से, और हम लोग का एक पॉलिसी भी है जो हम बता देगा क्या हमारा पनिशमेंट है लेट आने पर। इनको कोई बुलाओ कहीं पे, इस पे आ जाए यहां पे। देखो और बाईचांस कोई लेट आए ना और तुम लोग के बेंच में स्पेस रहे ना, उसको बुलाना, आओ आओ कर करके बुलाना ताकि वो बैठ पाए। बस खाली ये चीज को ध्यान देना, लड़का वाले लड़का को बुलाएंगे और गर्ल्स वाले बेंच गर्ल्स को बुलाएगा, उल्टा मत कर देना। पीछे में स्पेस है। चलो
अब तो देखो कॉस्ट हमारा नया सब्जेक्ट, हम लोग वो एक बार का मज्यूम करेगा, किसी को कॉस्ट के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, आराम से डाउट आए आराम से मेरे से पूछना, कोई चाप का बात नहीं है। अब देखो जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज इतना लेट क्यों आ रहे हैं? एक सेकंड, हमारा क्लास का टाइम 11 बजे है, आज पहला क्लास है इसलिए हम लोग थोड़ा लेट शुरू किया, नेक्स्ट सेशन लोग 11:30 बजे स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब देखो मेरा अगला बात, अब काफी लोग के माइंड में ना जब हम लोग ये कोर्स शुरू करते हैं कुछ डाउट आता है, दो तीन डाउट, पहले एक बार हम उसको एडजस्ट करते हैं फिर सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। कुछ लोग के माइंड में डाउट आता है कि भैया एक बात बताइए कि हम लोग को एक ग्रुप देना चाहिए दोनों ग्रुप देना चाहिए? अब देखो एक ग्रुप देना चाहिए दोनों ग्रुप देना चाहिए, दोनों का अपना अपना फायदा नुकसान है। एक बार हम पहले बात करें अगर सीए का, तो सीएमयू सिलेबस में अब कुल मिलाकर 6 पेपर है, और एक और जो चीज है कि अगर बाईचांस किसी का 6 पेपर क्लियर नहीं होता है, बोथ ग्रुप क्लियर नहीं होता है, तो एनीवेज आर्टिकल शुरू होगा नहीं। तो पहले ऐसा था ना कि ग्रुप वन पास करो आर्टिकलशिप स्टार्ट, फिर भले बाद में ग्रुप टू देते रहो, पर अब जब एनीवेज दोनों ग्रुप के बिना क्लियर आर्टिकलशिप शुरू होगा ही नहीं, और 6 सब्जेक्ट ना उतना प्रेशर का है नहीं, एक बार का लगेगा पर एक बार का प्रेशर भी होगा थोड़ा, डेफिनेटली चाप पड़ेगा तभी तो इस कोर्स का वैल्यू भी है, पर आराम से ये दोनों ग्रुप आराम से मैनेज होने लायक है। तो सीए वालों के लिए एडवाइसेबल है बोथ ग्रुप साथ में देना। अब रहा बात सीएमए का, तो सीएमए के अंदर में वापस से ग्रुप वन में 4 है, ग्रुप टू में 4, उसमें प्रेशर थोड़ा ज्यादा पड़ता है, तो उसमें अगर बाईचांस को एक ग्रुप देना चाहे दे सकता है, एक ग्रुप देने का फायदा क्या है, थोड़ा टाइम ज्यादा मिलेगा पढ़ने का। बोथ ग्रुप का फायदा क्या है, एक बेनिफिट मिलेगा सेट ऑफ का, एक से तुम लोग सुना सेट ऑफ का बेनिफिट, हर एक में पास होने के लिए चाहिए 40%, ग्रुप में क्लियर करने के लिए चाहिए 50%। अगर ऐसे तुम लोग का ग्रुप वन में चाहिए 150, सीए में 150 चाहिए और आया हुआ है 170, और ग्रुप टू में चाहिए 150 आया हुआ है 130, पर अगर बाईचांस को स्टूडेंट दोनों ग्रुप साथ में दिया ना, तो इवेंचुअली क्या होगा, वो पास कर जाएगा। पहले ग्रुप में जो एक्स्ट्रा आया था, जो दूसरे ग्रुप में डेफिशिएंसी रह गया ना, उसको ये आराम से सेट ऑफ करा के दोनों ग्रुप क्लियर करवाएगा। अब कोई बोलेगा अगर मान लीजिए ऐसा करे कि ग्रुप वन अभी दे 170 ले आए, ग्रुप टू बाद में ले 130 ले आए, तो ये क्या सेट ऑफ मिलेगा? वो नहीं मिलेगा। यानी सेट ऑफ का बेनिफिट सिर्फ तब मिल सकता है अगर हम लोग बाय चांस दोनों ग्रुप साथ में क्लियर अपियर करते हैं तब। ये तो हटाओ, असली जो बेनिफिट है दोनों ग्रुप साथ में देने का वो है रैंक का। एक मिनट, ये क्लास में कितना लोग रैंक लाना चाहते हैं? पूरा क्लास चाहता है। रैंक 50 मिलेगा, पर ठीक है, चाहना चाहिए जरूर चाहेगा तभी तो आएगा। अब देखो ऐसा है ना कि रैंक हाथ तो उठा लिए कि चलो रैंक चाहिए, कुछ लोग हम देखा अच्छा ये बाजू वाले हाथ उठाए, हम भी उठाई देते हैं, हमको भी चाहिए। अब रैंक तो देखो ऑब्जेक्टिव है, पर पता है हम बताते हैं कहीं ना कहीं मन में रहता है यार क्लास 10 में जो सोचे शायद उससे कम आया, कुछ लोग का जो क्लास 12 में सोचा शायद उससे थोड़ा कम आया, बीकॉम में तो सोचते ही नहीं है, फाउंडेशन में जो सोचे उससे थोड़ा कम आया, तो यार अभी तक जो सोचे वो नहीं आया, क्या गारंटी इंटर में आ जाएगा? जो आज तक पास्ट में हुआ अब आगे इंटर में उसका कोई लेना देना ही नहीं है। रीजन क्या है? इंटर में देखो इमेजिन करो सारे के सारे सब्जेक्ट का नाम, सारा सब्जेक्ट हम लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, तुम लोग नहीं हमारा अकाउंट पहले पढ़ा हुआ है, वो अकाउंट अलग था, यहां पे सर अकाउंट स्टैंडर्ड का बात चलेगा, तो जमीन आसमान का फर्क, कॉस्ट पहली बार, FM पहली बार, टैक्स पहली बार, ऑडिट पहली बार, जो तुम लोग नहीं हमारा फाउंडेशन में लॉ पढ़ा हुआ है, तो फाउंडेशन का लॉ बहुत ही बच्चा वाला लेवल का था और यहां पे बड़ा अच्छा एडवांस कंपनी लॉ है। यानी पता है अभी तक अब जो हम लोग पहुंचे ना इंटर में, अब सबका बेस एक जैसा हो गया, पास्ट में कितना भी अच्छा किया हो या नहीं किया हो, अब यहां पे सब एक बराबर है। अब यहां से जेन्युइनली हम लोग को मेहनत करना है, यहां से अच्छा किए ना मस्त होगा, और यहां से थोड़ा ढील छोड़ दिए ना तो थोड़ा टेंशन होगा। अब एक एग्जांपल देते हैं, मेरे को याद है जब मैं लाइफ में सेकंड टाइम पढ़ा रहा था 2014, उस समय ना सीए फाउंडेशन ही सीपीटी हुआ करता था, तो कुछ स्टूडेंट लोग आए एडमिशन लिए, उसके अंदर में एक स्टूडेंट था सुप्रतीक बोल के, वो आकर बैठा, सुप्रतीक बोस वो आकर बैठा, वो क्लास जैसे ही पहला क्लास खत्म हुआ आके मेरे को बोलता है भैया सीए छोड़ रहे हैं। हम बोले भाई हम आज ऐसा क्या कर दिया जो तुम सीए छोड़ रहे हैं? बोला आप कुछ नहीं किए, पर हम बाजू वाले से पूछे भाई तेरा कितना आया सीपीटी में, उस समय 200 मार्क का सीपीटी था, बाजू वाले से पूछे कितना आया, बोला 172, फिर लेफ्ट साइड में पूछे तुम्हारा कितना आया,
बोला 176। पीछे वाले से पूछा तेरा कितना आया, बोला 182। आगे वाले से पूछा कितना आया, बोला 193। और हम बाद में उससे पूछा भाई तुम्हारा कितना आया था, बोला 126। हम बोला चलो ठीक है, डर बेचारा डर गया। तो मेरे को ध्यान उस दिन उसको थोड़ा मोटिवेट किया, बोला भाई ये सबसे कुछ नहीं होता, घबरा मत, पढ़ 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 पढ़। बेचारा पढ़ते गया पढ़ते गया पढ़ते गया इस उम्मीद में कि हम बोला हाँ चल पढ़ 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 पढ़। और हम बताते हैं जिस दिन रिजल्ट आया तो वो लड़का जिसका सीपीटी में 126 आया था वो आया ऑल इंडिया रैंक 10, और जो लड़के का 193 आया था सीपीटी में आउट ऑफ 200, अनफॉर्चुनेटली वो सीए इंटर फर्स्ट शॉट में क्लियर नहीं कर पाया। तो बोले आप डरा रहे हैं क्या कर रहे हैं, हम डरा रहे नहीं, हम तो अच्छा बात कर रहे हैं कि अगर, और ऐसा नहीं है कि अगर कोई फाउंडेशन में अच्छा किया उसका खराब होगा, तचुड़ हम हमेशा अच्छा किया है, फाउंडेशन में भी मेरा रैंक आया था, इंटर में भी आया, फाइनल में भी आया। तो बोलने का एक मतलब कि अभी ना सब कोई सेम बेस से शुरू करेंगे, बस खाली अभी जी जान लगा के पढ़ना है। तो बोले हाँ चलिए ठीक है जी जान लगाएंगे, अब आप आगे बढ़िए। अब मेरा अगला बात, अब ये बात हो गया सिंगल ग्रुप रैंक का। तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोगों का सारा ट्यूशन शुरू हो गया, सारा ट्यूशन तुम लोगों का कब से स्टार्ट हो जाएगा? आई थिंक कमिंग वीक में तुम लोगों का मैक्सिमम ट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और जब कमिंग वीक में मैक्सिमम ट्यूशन स्टार्ट होगा तो आएगा मजा। सुबह सुबह पहला ट्यूशन कितने बजे है, तुम लोग सुबह सुबह घर से कितने बजे निकलेगा? पांच निकल के क्या करेगा? और हाँ कुछ लोग यहां संजीव स्कूल के भी हैं, स्कूल के बराबर है। तो चलो कुछ लोग सुबह 5 बजे निकलेंगे और बाकी लोग शायद 8-9 बजे निकलेगा। 6:30 ठीक है, अपना अपना टाइम चेंज कर लेना। तो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, पहले 11 से 1, अगला 2 से 4, उसके बाद अगर मान लो किसी का इवनिंग में भी ट्यूशन है 7, तो घर पहुंचेंगे 7-8 बजे रात को। इमेजिन करो सुबह 6 बजे निकला है, 5 बजे निकला है, रात को पहुंचेगा 8 बजे घर, जाएगा बैग फेंकेगा साइड में, सामने दिखेगा बेड जो पुकार होगा आजा आजा आजा, और तुम लोग तुरंत से जाएगा। अब पीछे से मम्मी का आवाज आएगा, बेटा थक गया होगा कुछ तो खाना खा ले, ऐसा इज्जत तो कहीं मिला ही नहीं है। तुरंत आएगा हाथों से खाना खिलाया जाएगा। हाँ ये दुख हम समझ पाता है पीजी वालों का, दोस्त ही बुलाएगा भाई आजा खाना खा ले। अब इमेजिन करो एक बार खाना खाया, फिर जैसे तैसे करके हिम्मत जुटा के तुम लोग बोला चलो एक काम करें, आज दिन भर में जो पढ़े हैं ना एक बार जरा बुक खोलकर देखे तो सही क्या पढ़े। अब जैसे ही बुक खोलेगा मान लो पीछे से मम्मी का आवाज आया, बेटा थक गया होगा आज तो सोजा, बस ये सुनने के लिए तो कान बेकरार था कोई बोले सोजा, तुरंत करेंगे बुक बंद, रखेंगे साइड में, निकालेंगे मोबाइल, इंस्टाग्राम में रील स्टार्ट और सो जाएंगे। अब देखो दिन में एवरेज में 3 ट्यूशन करना है, यानी वीक में 21 ट्यूशन, यानी एक महीना में 84 क्लासेस हो गया। अब एक महीना बाद मान लो रियलाइज करते हैं यार हम लोग तो फाउंडेशन क्लियर हुए, एक महीना हो गया, घर जाके सेल्फ स्टडी तो किया ही नहीं था, तो ऐसा नहीं चाप का बात है। तो जब उस समय से स्टार्ट करेगा ना तो ये क्या होगा, जो 84 क्लासेस चल गया जब वो रिवाइज कर रहा होगा तो मीन वेल 84 क्लासेस और चल गया, यानी मेरा एक महीने का ना बैकलॉग थोड़ा थोड़ा क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ नहीं करना, सही बता रहे तुम लोग से ज्यादा टाइम मांगता ही नहीं है, कुछ नहीं करना, बस जब घर जाओ दिन का 1 घंटा, एक नहीं दिन का 2 घंटा बस खाली उतना सेल्फ स्टडी के लिए देगा। मुंह पे कौन ना करता, नहीं देंगे वो भी गुस्सा में नहीं देंगे। एक मिनट, अच्छा ठीक है 2 घंटा नहीं, 1.5 आवर, मैंने नेगोशिएट नहीं कर रहा है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, यानी जो भी है बेस्ट पॉसिबल जितना टाइम दे पाओ देने का ट्राई करना, तो एटलीस्ट हर चीज ना पार में रहेगा, हर चीज पार में रहेगा। तुम लोग चले ठीक है ट्राई करेंगे पढ़ने का। अब देखो चीज ऐसा है ना, जो सिलेबस है वो है, जो एग्जाम है वो डेट फिक्स है, सीए वालों का मई में है, सीएमए वालों का जून में है, डेट आगे कहीं बढ़ना नहीं है, सिलेबस बड़ा है, पढ़ना भी है और हम लोग भी इंश्योर करना है पढ़ाना है। तो मेरे को ध्यान है जब नया नया पढ़ाना स्टार्ट किया था ना पहला बैच में, हम सोचा लोगों को क्या करें पढ़वाने के लिए, हम बड़ा मोटिवेट करता था, आते थे हर एक एक महीना में मोटिवेट करते थे, भाई जी जान लगा दे, खून पसीना बहा दे, बस पढ़ना है, लोग सुना के गया, आप जी जान लगाइए, खून पसीना बहाइए, कमाइए, हम लोग देख लेंगे करना क्या है। हमारा भाई कोई काम नहीं हुआ। और फिर अगले टाइम में डिसाइड किया चलो एक काम करते थोड़ा डांट फटकार लगाते हैं। अब जब लोग नहीं पढ़ते हम डांटता था, बोला पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, बोला अब तो नहीं पढ़ेंगे पढ़ा के दिखाइए, वो भी काम नहीं बना। फिर 2016 में हम स्टार्ट किया एक इंसेंटिव स्कीम,
इंसेंटिव स्कीम क्या है, जैसे हमारा पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉस्ट शीट, स्टार्ट करेंगे 6-7 क्लास लगेगा, तो हर चैप्टर का आखिरी दिन यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें किसी को यहां पर हम बुलाएगा और बुलाकर उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा आंसर देगा। और अगर कोई सारा का सारा राइट आंसर दिया तो चार चिट है मेरे पास, उसमें से एक उठाने का मौका मिलेगा। तुम लोग चार चिट में क्या क्या है, पहले वाले में ₹2000, सेकेंड वाले में ₹1000, थर्ड वाले में ₹500 और फोर्थ वाले में रहेगा ब्लेसिंग्स 2000, 1000, 500 और मेरे दिल से आशीर्वाद निकलेगा। अब जो भी चिट आया वो हो गया उसका, मेरे को ध्यान है 2016 में भगवान मेरे साथ था। जिसको बुला रहे हैं जो बेचारा सारा राइट आंसर दे रहा है, जब चिट आ रहा है ना तो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स। नहीं हम इतना चिप भी नहीं है कि चारों चिट में ब्लेसिंग डालेगा, हम बकायदा दिखा के डालेगा। देखो 2000, 1000, 500 ब्लेसिंग, फिर मिक्स करेंगे उसका जो आया सो आया। तो पहला टर्म में भगवान मेरे साथ था, जम के ब्लेसिंग्स बांटे। ब्लेसिंग्स बांटने में तो क्या जाता है, जम के बांटे। अब लोचा हुआ अगले साल में भगवान बोले चलो अब इसका मजा लेना है। अब जो आ रहा है 2000, तो 5-6 चैप्टर हम चलाया। 5-6 चैप्टर चलाने के बाद हम रियलाइज किया यार खुद हम कॉस्ट का टीचर, अपने कॉस्ट का ठिकाना ही नहीं है। तो इवेंचुअली जाके हम ये स्कीम को बंद कर दिया। पर अब ये न्यू सिलेबस है, सीएससीए में दोनों का न्यू सिलेबस है, तो मेरा सोचा हुआ है कि आखिरी चैप्टर तक हर एक चैप्टर में ये वाला स्कीम चलाए। तुम लोग ये वाला स्कीम कैसा लगा? हाँ, बढ़िया लगा। इसके अंदर में एक छोटा सा ट्विस्ट है। यहां पर बुलाएंगे बिल्कुल बुलाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे बिल्कुल पूछेंगे। सर ऑनलाइन वालों का क्या, ऑनलाइन वालों को मौका मिलेगा, तुम लोगों को करेगा पेटीएम। इतनी देर ये लोग कुछ नहीं बोला, गुड मॉर्निंग, पैसे का वारी है, ऑनलाइन वालों का क्या, कैसा लालची लोग है। अब एक छोटा सा ट्विस्ट है, यहां पर बुलाएंगे एकदम बुलाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे बिल्कुल पूछेंगे, जो राइट आंसर दिया वो चिट उठाएगा, जो आया वो उसका, जो राइट आंसर दिया। अगर कोई गलत आंसर दिया चिट उसी से उठवाएंगे। राइट आंसर आने पे मेरे को देना है, और अगर बैचर्स कोई गलत आंसर दे रहा है चिट उसी से उठवाएंगे, ब्लेसिंग्स देकर जाएंगे उससे भी ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स वाला काउंट नहीं किया जाएगा। एक स्टूडेंट टीचर को ब्लेसिंग्स दे रहा है, अच्छे से पढ़ाइए। अगर बैचर्स कोई गलत आंसर आया जो अमाउंट आया उससे लेंगे। अब बताओ तुम लोगों को ये वाला स्कीम कैसा लगा, मतलब ऐसा लालची लोग नहीं देखा। नहीं ऐसा नहीं होगा। एक मिनट, तुम लोग अकाउंट पढ़ा हुआ है, हर असेट के अगेंस्ट पे लायबिलिटी होता है, हर डेबिट के अगेंस्ट पे क्रेडिट होता है, तो मेरे देने के अगेंस्ट में मेरा लेना नहीं होगा? क्यों नहीं, रीजन क्या, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप बड़े हैं, ये सब फालतू बातें चले गए, ऐसे आप बड़े हैं क्या? चलो एनीवेज, चलो ठीक है, घबराओ मत, राइट आंसर आने पे देंगे, गलत आंसर आने पे कुछ नहीं लेंगे। अब चलेगा, हम लोग सही फील्ड में हैं, कॉमर्स जहां पे खाली पैसे का बात होता है। चलो ये हुआ हमारा इंसेंटिव स्कीम के बारे में। अब एक दो छोटा छोटा बात, हमारा क्लास का टाइम रहेगा 11 बजे और हम लोग 11 बजे हम एंटर करेगा, 11:05 पे पढ़ाना स्टार्ट करेगा, शुरू में 2-4 मिनट रिवाइज करवाता है। सो ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग 11:05 तक प्लीज 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 एंटर कर जाए। अगर बाई चांस कोई लेट आता है 11:05 से बाद, तो अगर पहली बार लेट आया उसको मिलेगा फर्स्ट वार्निंग, अगर बाई चांस कोई सेकेंड टाइम लेट आया उसको मिलेगा सेकेंड वार्निंग, कोई अगर थर्ड वार लेट आया उसको मिलेगा थर्ड वार्निंग, कोई अगर फोर्थ और लेट आया, काउंटिंग नहीं करवाना है, अगर बायचांस कोई फोर्थ वार लेट आता है तो हमारा पनिशमेंट यह कि अगर बायचांस कोई फोर्थ वार लेट आया उसको यहां पर आकर पूरे क्लास को गाना गाकर सुनाना पड़ेगा। और अगर बायचांस किसी को गाना गाना नहीं आता है तो घबराना मत, उसके बिहाफ में गाना हम गाएगा, वो यहां पर डांस करेगा।
तो घबराना मत, तुमसे फिर हम लोग फाइन ले लेंगे 5,000, जिससे हम लोग पार्टी कर लेंगे पूरा क्लास। तो आइदर गाना या डांस, और इस चीज को हम बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, ठीक। अगर बाई चांस अगर लेट आ रहा है, फोर्थ फॉर लेट आ रहा है, तो इनफैक्ट रस्ते में गाना रिहर्स करते हुए आना, बढ़िया से गाना गाते हुए आना, हो सकता है थोड़ा कमाई हो जाए, लो यार क्या गा रहा है, कोई 1-2 रुपया देके चले जाए। फिर ये मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज कोई लेट मत आना, प्लीज लेट मत आना, कि लेट आने में देखो एक फ्लो टूटता है। और स्टिल अगर बाई चांस कोई लेट आए, जो हम पहले बताया, कोई दिखेगा ना पीछे से आया, तो किसी के पास भी बेंच में जगह रहे ना, बुला लेना, ठीक। अब आओ आओ मत करना चीप लगेगा, आप बस खाली इशारा कर देना, वो अपने आप आएगा। और मेरे को ध्यान है, जो हम लोग अपना अकाउंट्स पढ़ रहे थे सीए इंटर में, जब हम अकाउंट्स पढ़ रहा था, जो हम लोग अकाउंट्स का पहला क्लास था, हम लोग को सर ये बात बोले, सुदर्शन सर ये बात बोले कि कोई अगर आए ना तो बुला लेना, ठीक है। बस इतना बोल के छोड़ दिया, 5 मिनट बाद गेट खुला, एक लड़की एंटर की, पूरा लड़का लोग का बेंच। तो ऐसा हरकत नहीं, अपने आप को रियलाइज करना तुम लोग कौन है, उसी जेंडर को बुलाना, ठीक। वेरी लेट, नहीं इसको पता नहीं है लेट आने का रीजन, ट्रेन लेट था, तुम तो लेट था ही नहीं, गलती तो ट्रेन का था। अक्रूअल बेसिस के हिसाब से यू कैन एक्सपेक्ट ओनली लॉसेस भैया, अरे पहला दिन ये लोग में इतना जोश आया है। चलो डन, ये हुआ। अब एक आखिरी बात, देखो हमारे सिलेबस में जितना भी चैप्टर है, हम लोग क्या करेंगे ना, हर 3 चैप्टर के बाद लेंगे एक टेस्ट, और टेस्ट देना अति आवश्यक है, अनिवार्य है, कंपल्सरी है, टेस्ट आपको देना पड़ेगा। जो ऑनलाइन कर रहे हैं क्लासेस, आइदर लाइव ऑनलाइन या फिर गूगल ड्राइव में, आइदर तुम लोग टेस्ट वाला दिन यहां पर आकर दो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप एक क्रिएट किया जाएगा, उसमें क्वेश्चन पेपर भेजेगा, सोल्यूशन मेरे को भेजना, वो हम चेक करेगा। बहुत बड़े वॉल्यूम में टेस्ट पेपर आता है, तो मेरे को चेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे को 1 वीक लगता है। जो लोग टेस्ट दिए उनके पास उनका मार्क्स मिल जाएगा, जो लोग टेस्ट नहीं दिए उनके मोबाइल में एक मैसेज जाएगा कि आप लोग टेस्ट नहीं दे पाए, पता नहीं कारण क्या था, पर वो मैसेज तुम लोग के नंबर पे नहीं जाएगा। यदि अब एडमिशन फॉर्म फिलअप किया गया था, 2 नंबर लिया गया था, एक लिया गया था आपका और एक लिया गया था गार्जियन का, दोनों में एक ही नंबर लिखा है, सही में तो मेरा बेसिक पर्पस ही फेल हो गया ना। फिर तुम लोग, चलो फिर भी ठीक है, पिछले टाइम में एक लड़का मेरा नंबर लिख के आ गया गार्जियन में, हम भेजा बोला मेरे पास कैसे आ गया नंबर। सर वॉइस नहीं आ रहा है, एक मिनट की, जो लाइव ऑनलाइन करेगा प्लीज कंफर्म करो, कोई 2-4 लोग वॉइस आ रहा है नहीं, सब कोई करने मत बढ़ जाना, आई थिंक आवाज तो आना चाहिए, क्लास में क्लियर है ना वॉइस, ऑल गुड, आ रहा है ब्रो, आ रहा है ब्रो, ओके ब्रो, आ रहा है सर, आ रहा है, नो प्रॉब्लम, ये सर क्लियर है, ठीक है बाकी हम समझ गया, सब मत लिखना, हाँ ये सर डन क्लियर है, ठीक। तो चलो एनीवेज, टेस्ट हम लोग को देना, देखो टेस्ट देने का फायदा क्या है, इस बारे ना तुम लोग एक प्रैक्टिस हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा, और अगला फायदा क्या है, इस बारे ना एक टेस्ट एनवायरमेंट का आइडिया लगेगा, कि देखो फाउंडेशन जो भी बोलो, 11-12 में काफी सारा जो बेस है फाउंडेशन में काम आया था, पर इंटर के अंदर में कोई बेस काम आने वाला नहीं है, यहां पे हम लोग नए सिरे से पढ़ना है, तो इसीलिए टेस्ट प्लीज 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 सबको जरूर देने आना। अब एक लास्ट बात, फिर सीधा हम लोग आते हैं मेन पॉइंट में, जो लोग ओल्ड सिलेबस में थे और जो न्यू सिलेबस में है, अब देखो ओल्ड तो बस इस साल खत्म, मई 24 जून 24 से ओनली न्यू सिलेबस है, अब उस केस में ना तुम लोग को नया बुक मिला है, नए बुक के अंदर में देखेगा चैप्टर्स जो था पहले वही रह गया, पर क्वेश्चंस बहुत सारा ऐड हुआ है, तो और तुम लोग देखेगा, तुम लोग को एक सीए वालों को मिला होगा ये वाला बुक, सीएमए वालों को मिला होगा ये वाला बुक, दोनों में ना क्वेश्चंस अच्छा खासा ऐड हुआ है, अराउंड 70 के आसपास, 70 क्वेश्चन हर चैप्टर में, अप्रोक्सीमेटली 5-6 क्वेश्चन ऐड हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, जब तुम लोग नेक्स्ट डे से कैरी करेगा, ये मेन बुक कैरी करना, क्वेश्चन उठता है ये जो पतला सा बुक है इसका क्या करना है, ये तुम लोग का प्रैक्टिस बुक है, देखो ये मेन बुक है, ये तुम लोग का प्रैक्टिस बुक रहेगा, इसमें करना क्या है, जैसे हमारा एक चैप्टर खत्म होगा, तुम लोगों को प्रैक्टिस बुक में ना देखिएगा क्वेश्चन दिया रहेगा, नीचे आंसर दिया रहेगा, तुम लोगों को खुद को प्रैक्टिस करना है, ये एक तरह का होमवर्क होता है ना, वो करना, आंसर से मैच करना,
अब तुम लोग मान लीजिए अगर बाई चांस कोई आंसर गलत हो गया तो घबराना मत, उस नेक्स्ट डे का इंतजार मत करना। तुम लोग देखिए ना, हर पेज के लास्ट में क्यूआर कोड रहेगा, स्कैन करना। जब तुम लोग अपने घर में होमवर्क कर रहा होगा, हम भी अपने घर में जाके होमवर्क कर रहा होगा। तुम लोग अपना जब आंसर निकालेगा, हम भी अपना आंसर निकालेगा, और हम क्या करेगा उसका पीडीएफ बनाकर इसमें डाल देगा। तो संग संग में अपना आंसर मैच करना कर लेना। स्टिल अगर बाई चांस कोई डाउट हुआ, नेक्स्ट डे हम लोग वो क्लियर करेंगे। यानी हम लोग क्लास में करेंगे ये वाला पूरा बुक, और ये वाला बुक तुम लोगों का रहेगा पूरा होमवर्क, ताकि इस बहाने ना तुम लोगों का प्रैक्टिस और रिवीजन साथ साथ चलता रहे। बोलो यहां तक क्लियर है? अरे बोलो ना। देखो मेरे को ना शांत क्लास एकदम पसंद नहीं है, एकदम पसंद नहीं। हम चाहते कि लोग बात करते रहे आपस में, नहीं मेरे से। शांत क्लास से मेरे को अजीब सा लगता है। इसलिए जब बोलो ना तुम लोग, जब तक नहीं बोलेगा यस सर, हम आगे बढ़ेगा ही नहीं। और हम अज्यूम कर रहे हैं इस क्लास के अंदर में एवरेज एज होगा 18 से 19। अगर इतने सारे लोग 18-19 इयर्स वाले एक साथ में बोले ना यस, बिल्डिंग गूंजना चाहिए। एक बिल्डिंग गिरेगा नहीं, गूंजना चाहिए बस। भैया प्रैक्टिस बुक नहीं मिला, घबराओ मत, सारा बुक मिल जाएगा। एक मिनट बोलो, अभी तक कोई भी डाउट है? अभी तक क्लियर है? अरे बोलो ना। चलो वेरी गुड। अब एक और बात बताते हैं, अब लिखना नहीं है, पहले एक बार बस खाली सुनना। देखो एक और हम बताते हैं सीए का, फिर हम बताते हैं सीएमए का, लिखना नहीं है। मेरा पहला बात, सीए न्यू सिलेबस के अंदर में अब है तुम लोग का दो ग्रुप, मेरा ग्रुप वन ग्रुप टू। एक मिनट, हम श्योर है सब्जेक्ट का नाम पता होगा? बोलो सब्जेक्ट का नाम। ग्रुप वन के अंदर में क्या क्या है? पहला है एडवांस अकाउंट, अगला है लॉ, अगला है टैक्स, और हम भैया ग्रुप टू में पढ़ने वाले आदमी है कॉस्ट, अगला है ऑडिट, अगला है एफएमएसएन। ठीक, न्यू सिलेबस के अंदर में। अब हम बताते हैं एक बात, कुछ लोगों का प्रैक्टिकल बड़ा अच्छा होता है, थ्योरी ठीक ठाक। कुछ लोगों का थ्योरी बड़ा अच्छा होता है, प्रैक्टिकल ठीक ठाक। तो अब सीए हो या सीएमए, दोनों के अंदर में पूरा सिलेबस आधा आधा बटा हुआ है। यानी खाली प्रैक्टिकल को लेकर आगे बढ़ने से नहीं चलेगा, या खाली थ्योरी को आगे लेके बढ़ने से नहीं चलेगा, शुरू से ना दोनों का बैलेंस रखना। अब देखो ना, ये जैसे पूरा प्रैक्टिकल, ये पूरा थ्योरी, टैक्स में डीटी वाला पोर्शन प्रैक्टिकल है, इनडायरेक्ट टैक्स थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी है, एफएम प्रैक्टिकल है, एसएम थ्योरी। तो देखो एक दो, इसका हाफ हाफ, 300 नंबर प्रैक्टिकल, 300 मार्क क्या है थ्योरी। यानी शुरू से ना दोनों का बैलेंस बनाकर चलना, ताकि ऐसा नहीं पहले प्रैक्टिकल कर लिए सारा थ्योरी एक साथ, या पहले थ्योरी कर लिए सारा प्रैक्टिकल बाद में, शुरू से बैलेंस बनाकर चलना। हे भगवान, इतना लेट कहां है? आइए आप आगे आइए, कोई बुलाओ। मेरा अगला बात, बोला ये सब हटाइए, पास वास हटाइए, और तुम लोग एक बड़ा अच्छा नंबर्स बताते हैं। पता है सारे के सारे सब्जेक्ट में ऑल टाइम रिकॉर्ड अभी तक क्या चल रहा है? अकाउंट्स में चल रहा है 100 में 100, लॉ में चल रहा है 94, टैक्स में चल रहा है 98, कॉस्ट में चल रहा है 100, ऑडिट में चल रहा है 96, अब एफएम एसएम पहली बार आया है, तो इसका कोई पास्ट रिकॉर्ड हो नहीं सकता, क्योंकि पहले एफएम इको अलग था, ये एसएम अलग था। अब एफएम एसएम का क्या होगा तुम लोग ही बताएगा, अपने टर्म एग्जाम देखे तो इसका पता नहीं है मेरे को। अब ऑब्वियस आता ये नहीं कि स्टूडेंट का सर आ गया था, अलग अलग टर्म में अलग अलग स्टूडेंट का आया हुआ है। एक छोटा सा बात, ये आया था मई 2017 में, लॉ में 94 आया था मई 2017 में, इसके पहले हाईएस्ट चल रहा था 90, वो आया हुआ था नवंबर 2005 में। तुम लोगों ने ऐसा क्यों बताए? वो इसलिए बताए क्योंकि जब ये बात बोलता है मेरे को मेरे दिन याद आते हैं, ये नवंबर 2005 में जो ऑल टाइम रिकॉर्ड था 90, वो फॉर्चुनेटली मेरे नाम पे था। तो जब नवंबर 2005 में हम दिया था, वैसे मेरा तारीफ हम बहुत किया हुआ है, आप बुक में खोल के देखा, हम अच्छा खासा तारीफ करके रखा है। तो एनीवेज, नवंबर 2005 में 90 आया था मेरे को, एक्चुअली मिला था 89। हम सैड हो गए, बोला 89, हम बोला नहीं हम रीचेक में देंगे। आज जब मेरा फ्रेंड लोगों को पता चला कि 89 लाके रीचेक में देने वाला, वो भी थ्योरी सब्जेक्ट, हम कुछ अच्छा खासा गाली दिया था। हम बोले भाड़ में जाओ, जो गाली देना है दो, हम तो रीचेक में देंगे। उसके बाद 89 से बढ़ के हुआ 90, तो 12 साल तक मेरे नाम पर था, और ऑब्वियस आधा हर रिकॉर्ड टूटता है, 2017 में रिकॉर्ड टूट गया, अब चला 94। अब देखो ऐसा है ना,
क्लास करते करते तुम लोग रियलाइज करेगा बीच बीच में ना थोड़ा फेंकता है, मेरा हैबिट है, आदत से मजबूर है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। मेरे को ध्यान एक और ऐसी क्लास में बोल दिया नवंबर 18 टर्म में कि जिसका ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 आए उसको मिलेगा मेरी तरफ से 1 लाख। यार बाई चांस किसी का कॉस्ट में 100 में 100 आए, मेरी तरफ से मिलेगा 5 लाख। बोलने में क्या जाता है कि 100 में 100 आना नहीं है। नवंबर 2018 टर्म था, बोले थे, और मेरे को डेट याद है 3 फरवरी 2019। वो हम डेट भुला नहीं पाएगा। 3 फरवरी 2019 एक लड़के का कॉल आया, बोला भैया आ रहे हैं। अब समझ में नहीं आया क्यों आ रहे हैं। बोला आज क्यों आ रहा है। बोले भैया रिजल्ट आया। हम बोला हाँ हाँ, क्या पास हो गया ना। बोले पास हो गया, 5 लाख लेने आ रहे हैं। अब मेरे को तुरंत याद आ गया 5 लाख क्या बोला है, पर हम उसके सामने एक्ट किया। 5 लाख कौन सा 5 लाख। बोले याद है, बोले थे अगर कॉस्ट में 100 में 100 आएगा तो 5 लाख देंगे। हम बोले नहीं, ऐसा कुछ हम बोला नहीं था, ऐसा कुछ नहीं बोला था। बोला भैया घबराइए मत, रिकॉर्ड कर लिए थे। हम बोले अच्छा हाँ शायद बोला होगा। हम बोले एक मार्कशीट भेज। हमको लगा ऐसे ही फेंक रहा है, क्या कर रहा है। मार्कशीट देखिए 100 में 100 था। हम लगे फोटोशॉप नहीं कर दिया, ऐसे की वेबसाइट में जाके चेक किया, 100 में 100 था। उसके बाद मुझसे 1.5 महीना हाइड एंड सीख खेला। वो आता था इस गेट से, हम निकलता था इस गेट से, वो आता था यहां से, हम निकलता था वहां से। इवेंचुअली जाके मेरे को एक दिन मिला और हम बाद में सेटलमेंट किया 1 लाख में। और उसके बाद से हम ये ऑफर वैल्यू को 5 लाख की जगह कर दिया 1 लाख। ये वापस है ऑफर तुम लोग के लिए। अगर बाई चांस तुम लोग का ऑल इंडिया रैंक 1, 2 या 3 आए, या मेरे कोई भी सब्जेक्ट के अंदर में 100 में 100 आ जाए, तो आपको मिलेगा 1 लाख। अगर बाई चांस किसी का कॉस्ट में भी 100 में 100, FMSA में भी 100, रैंक 1, 2, 3 भी आ गया है, दोनों में 3 में से कुछ एक, तो फिर उस केस में 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख माइनस कॉम्बो बेनिफिट। क्यों कॉस्ट एफ एमएसए में कॉम्बो था ना। माइनस कॉम्बो करेंगे तो इवेंचुअली तुम लोग को मिलेगा 1,50,000। क्यों मतलब उस समय एक ऑफर भी चलाना ना, इंडिपेंडेंस डे ऑफर जैसे चला था। तो अगर बाई चांस किसी का आता है 100 में 100, और उनको पता नहीं हम अपना सौभाग्य बोले या क्या बोले, पिछले साल मेरे को ऐसा मौका 3 बार मिला था 1 लाख देने का। जब ये बात बोले, एक जन आ गया ऑल इंडिया रैंक 1 CMA में, एक जन आ गया ऑल इंडिया रैंक 2, एक जन का आ गया 100 में 100, तो बिल्कुल दुख नहीं, हम एकदम मुस्कुराते हुए, एटलीस्ट चेहरे में मुस्कान था, अंदर में कुछ भी रहना रहे, मुस्कुराते हुए चेक पकड़ाए 1 लाख 1 लाख 1 लाख का। तो ये ऑफर वापस तुम लोग के लिए है, कुछ भी आए 1 लाख ए छोड़ो, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रहा है 1 लाख हटाओ, वैल्यू चेंज नहीं नहीं 1 लाख ठीक है, ज्यादा जोश में नहीं, 1 लाख ठीक है। तो ये तुम लोग के लिए रहेगा ऑफर। रिकॉर्डिंग हो रहा है, अब हम अब दे देगा क्या, नहीं डेप्रिशिएट नहीं होगा, नहीं सेटलमेंट नहीं, अब ये वाला बात पक्का है पक्का। तो देखो ये बात हम लोग की सीए का। अब एक मिनट, सीएमए के अंदर में अगर देखेगा तो वापस से वहां पे ग्रुप वन में 4 पेपर आता है। एक हमारा आता है अकाउंट्स, एक आता है लॉ कॉस्ट एंड टैक्स, यहां पर आता है ओएमएसएम, यहां पर आता है, यहां पर आता है कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट, अगला आता है एफएमडीए एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वापस से प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल आधा, प्रैक्टिकल आधा थ्योरी, थ्योरी आधा, प्रैक्टिकल थ्योरी आधा, प्रैक्टिकल थ्योरी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल थ्योरी। सो इवेंचुअली यहां पे भी रियलाइज करेगा ना 1, 2, 1, 2, 3, तो अराउंड 350 मार्क्स के आसपास रहेगा थ्योरी, बाकी रहेगा प्रैक्टिकल। तुम लोगों ने ऐसे बताइए ऑल टाइम हाइएस्ट क्या है, अभी नहीं पता कि अभी जस्ट एग्जाम खत्म हुआ है पहला, न्यू सिलेबस का जब उसका रिजल्ट आएगा तुम बहुत जल्द अपडेट करेगा 2 महीना बाद। तो ये था हमारा बेसिक बात, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एक मिनट, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या, एक बार के लिए हम इसको प्यार से कॉस्ट ही बुलाएंगे। हमारे सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट। हम बताते हैं हम लोग को पढ़ने का स्टाइल क्या रहेगा। जब ये पढ़ाएगा ना, मेरा हैबिट है हम जनरली ना इसका पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देगा, कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल, ताकि वो रिलेट हो पाए। जब एग्जाम्पल दे रहा हूं उस समय खाली सुनना, लिखने विखने का कुछ नहीं है। एक और मेरा समझाना हुआ फिर अब हर चीज लिखवाएगा, फिर क्लास के लास्ट में एक और उसको रिवाइज करवाएगा, नेक्स्ट डे क्लास का शुरुआत में हम पहले उसको रिवाइज करवाएगा, फिर आगे इस तरीके से पढ़ते रहेंगे। बस खाली घर जाके तुम लोग को इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम दिन का 20 मिनट देना है, 20 मिनट मात्र मांग रहे हैं। आप बता दीजिए देंगे ना 20। इनको पता है देखिए वो वाला फील आता है जैसे हमारी बंगाल में दीदी है ना, मतलब मतलब अच्छा वाला फील था ये। नहीं
हर चीज में लड़ते बैठे आम ही दे बोला आ तो देखो हमारे सब्जेक्ट का नाम रहेगा कॉस्ट। आज हम लोग करेंगे क्या, पहले हम पहले समझाएगा, बाद में लिखवाएगा, बाद में रिवाइज करवाएगा, नेक्स्ट डे वापस से पहले रिवाइज करवाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। घर जाके तुम लोगों को मेरे को 20 मिनट डिवोट करना है। अब एक काम करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज खाली बेसिक बात करेंगे। पहले बताओ सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट, कॉस्ट पढ़ने का कारण क्या? जो मन चाहे बोलना हम बोलेगा वेरी गुड, जो मन चाहे बोल के देख लो बोलेगा वेरी गुड। बताओ कॉस्ट पढ़ने का कारण क्या, कॉस्ट क्यों पढ़ते हैं? पास करने के लिए। वेरी गुड, मैंने ये एकमात्र उद्देश्य बस पास हो जाना है। और बताओ कॉस्ट पढ़ने का कारण क्या है? कितना खर्चा कहां पे हुआ ये आइडेंटिफाई करना, चलो वेरी गुड। कॉस्ट को मिनिमाइज करना, चलो वेरी गुड। कॉस्ट को कंट्रोल करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, चलो वेरी गुड। क्या यूज करना, कौन सा सेक्टर में आगे जाना है उसको डिसाइड करना, चलो वेरी गुड। बजट का एलोकेशन करना, चलो वेरी गुड। चलो 100 लाख 1 लाख रुपया जीत रहेगा, वेरी वेरी गुड। एक सेकंड, यहां पे भी आ रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। ये जो है ना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करना, चलो वेरी गुड। सीए बनने के लिए क्या बात है। हम बताते हैं कॉस्ट पढ़ने का कारण क्या है। आज हम एग्जांपल लेकर चलेगा, मेरा सबसे फेवरेट कंपनी आईटीसी। कैसे पता? हाँ, उस सीनियर से पता चला। मेरा सबसे फेवरेट कंपनी आईटीसी, और जो भी तुम लोगों का सेशन चलेगा उसमें मैक्सिमम एग्जांपल जो हम देगा, मेरा पहला प्यार नहीं, जो मेरे को बहुत पसंद है कंपनी आईटीसी, उसके बारे में मैक्सिमम एग्जांपल हम देगा। आज हम लोग बात करेंगे आईटीसी। आईटीसी बहुत प्रोडक्ट बनाता है वैसे। बताओ आईटीसी क्या क्या चीज में डील करता है? पहला नाम सिगरेट आया, आईटीसी होटल नहीं आया भाई, जो क्लासमेट कॉपी यूज किया वो नहीं आया। पहला है सिगरेट, चलो ठीक है वो भी है। और बोलो क्या क्या डिविजन है उसका? स्टेशनरी, जो क्लासमेट कॉपी है वो है आईटीसी का। और बोलो क्या? एफएमसीजी, जो फियामा डिविल्स है, ये हो गया आईटीसी का। और बोलो क्या, कौन सा? अच्छा हाँ, करेक्ट, फबेल आई थिंक आईटीसी का है। इसके अलावा सनफीस्ट आईटीसी का है, आशीर्वाद आईटीसी का है, और बोलो क्या, होटल आईटीसी का है। क्या अगरबत्ती? ऐसा धार्मिक लड़का कौन है भाई? मंगलदीप अगरबत्ती आईटीसी का है। पिछले 11 साल में ये मेरा 83rd बैच हम पढ़ा रहे, 83rd बार पहला लड़का अगरबत्ती बोला है। हमेशा पहला आंसर सिगरेट आता है, तो आइडिया लग जाता है किसका कैसा शौक है। चलो, ये सारा का सारा प्रोडक्ट आईटीसी का। आज हम लोग एग्जांपल लेकर चलेंगे दो डिवीजन का, पहले फूड डिवीजन का, और उसके बाद लेकर चलेंगे आईटीसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन है, जिसके भरोसे आईटीसी चल रहा है। सिगरेट वाले को गलत मैं सोच रहा, वैसे ही वैसे ऐड करके दिखा रहा हूं, मेरा ऐसा तो दूर दूर लेना देना नहीं है, ठीक। अब एक काम करो, एक और दो मिनट के लिए ना अज्यूम करो, तुम लोग आईटीसी के फूड डिवीजन का टॉप मैनेजमेंट में बैठा हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है आईटीसी फूड डिवीजन का टॉप मैनेजमेंट में तुम लोग बैठा हुआ है, दो मिनट के लिए अज्यूम करो, बहुत अच्छा फील होगा, दो मिनट के लिए सही पर होगा, ठीक। अब तुम लोग क्यों ना, एक हम फाइनेंशियल अकाउंट का पीएल बनाएगा, और बनाने के बाद ना तुम लोग से हम एक दो क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग डायरेक्टर हैं, हम आपके सेवक हैं, अकाउंटेंट, हम एक पीएल बनाकर दिखाएंगे और तुम लोग से हम एक दो क्वेश्चन पूछेगा। जहां तक है वो पीएल को देखकर तुम लोग वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा। वो क्वेश्चन का आंसर क्या देखकर दे पाएगा? फाइनेंशियल अकाउंट्स का पीएल नहीं, कॉस्ट अकाउंट्स का पीएल को देखकर। जब ये समझ में आ जाए कि भाई वो कौन कौन सा ऐसा सवाल है जिसका जवाब फाइनेंशियल अकाउंट्स नहीं कॉस्ट अकाउंट्स देता है, अब क्या समझ में आ जाएगा कॉस्ट पढ़ने का कारण क्या है। समझा क्या बोला? अरे बोलो ना, पता नहीं इतनी बार बोलते ना, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। पिछले टर्म में एक लड़का स्केच बनाया, उसमें लिख के आया अरे बोलो ना। तो एक काम करते हैं, कुछ नोट नहीं करना, बस खाली सुनना। एक छोटा सा पीएल अकाउंट बनाते हैं, आप लोग हैं हमारे कंपनी के कर्ता धर्ता,
टॉप मैनेजमेंट, कुछ लिखा नहीं, तुम्हें बताना मेरा हैंडराइटिंग कैसा लगा, ठीक है? मस्त, ये मजाक उड़ा रहे, कुछ लिखा ही नहीं है। ये हम बना रहे हैं आईटीसी के फूड डिवीजन का पीएल, और रियल लाइफ में ट्रेडिंग पीएल एक साथ बनता है, तो ट्रेडिंग पीएल अलग अलग नहीं, एक साथ बनता है। मान लो यहां पर लिख रहे हैं सेल वैल्यू, कैसा लगा हैंडराइटिंग? ठीक ठाक, खुद का हैंडराइटिंग का ठिकाना है, ठीक ठाक, समझ में आ रहा है ना? यहां पे लिखे मेरा मटेरियल कॉस्ट, मान लो लगा है 30,000, मान लो वेजेस लग रहा है 20,000, मान लो फैक्ट्री एक्सपेंस लग रहा है 5,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लगा है 30,000। बस इतना छोटा सा पीएल बनाकर दिखा रहे। आए काम करें, एक बार जरा फटाफट कैलकुलेट करें मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, निकाल कैलकुलेट कर लिया, 30 + 20 = 50 + 5 = 55 + 30 = 85,000, यहां पर है 1 lakh, 1 lakh माइनस 85,000 क्या आने वाला है 15,000, यानी शॉर्ट मेरा प्रॉफिट क्या आने वाला है 15,000। चलो वेरी इजी, ये पीएल आपको सौंपते हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंट्स का पीएल है, आपको सौंपते हैं, और हम बस खाली एक क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ ये पीएल को देखकर कि अगर बाय चांस इस कंपनी को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, अगर बाय चांस ये कंपनी को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, वो ऐसा क्या क्या कदम ले, वो ऐसा क्या क्या स्टेप्स ले, क्या क्या कदम उठाए, जिसके द्वारा ये कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाए। आप बोलो ये क्या करे जो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाए। पहला आंसर आया है सेल को बढ़ाइए, चलो ठीक है। रॉ मटेरियल कॉस्ट को कम करें, और बोलो क्या? वेजेस को कम करें, और बोलो क्या? इसको भी कम कर दे, और बोलो क्या? इसको भी कम कर दे, और बोलो क्या? बस अब तुम लोगों को पता है बोलने में 20 सेकंड लगा, ये क्या हो गया? चलो ठीक, पता तुम लोगों को बोलने में 20 सेकंड लगा, 20 सेकंड लगा, सेल बढ़ा दीजिए, कॉस्ट गिरा दीजिए। जितना इजीली बोला जाए, अगर कास्ट उतना इजीली हो जाता तो जीवन में क्या कभी कोई भी कंपनी लॉस पे रहता? यानी पता है बोलना बड़ा आसान था, पर क्वेश्चन उठता है इंप्लीमेंट करना उतना इजी रहेगा? कभी नहीं। यानी पता है होता क्या है, आपकी इवेंचुअली कंपनी अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाए, तुम लोग एक सेकंड में बोला बढ़ाइए सेल, गिराइए कॉस्ट। जितना इजीली बोला जाता है उतना इजीली होता नहीं है। यानी सही मायने में देखा जाए तो ये पीएल को देखकर, ये पीएल को देखकर यहां पे वही आंसर आया, आइदर डायरेक्ट एक्सपेंस कम करिए या सेल बढ़ाइए, क्या बात है, लोअर द सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस कम करें ताकि डिमांड बढ़े, उस तरीका से हो, ये शायद ऐसे इंटरप्रेट कर रहा है, चलो ठीक। यानी शॉर्ट अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के पीएल को देखकर, फाइनेंशियल अकाउंट्स के पीएल को देखकर एक टॉप मैनेजमेंट जीवन में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। तुम लोग या फिर ये बनाते क्यों है? तुम लोग के लिए, तुम लोग, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम लोग सबके लिए, तुम लोग, हम लोग कौन है, हम लोग के लिए क्यों बन रहा है सब? तुम लोग कौन है? अभी तो चलो ठीक है, अभी तो स्टूडेंट है, पर इवेंचुअली बड़ा होकर तुम लोग शेयर होल्डर बनेगा। एक से नाम सुना शेयर होल्डर? यानी इवेंचुअली जो फाइनेंशियल अकाउंट का पीएल है किसके लिए बनता है? शेयर होल्डर के लिए, जो खाली साल के एंड में दिखेगा भाई मेरा कंपनी कितना प्रॉफिट कमाया, और यकीन मानो उससे उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि जब भी इन्वेस्ट करता है वो खाली करता है सुने सुने बातों पे, एनालिसिस करता कौन है? यानी फाइनेंशियल अकाउंट्स का पीएल बनता है खाली शेयर होल्डर के लिए, जिसके बेसिस पे टॉप मैनेजमेंट डिसीजन नहीं ले सकता। टॉप मैनेजमेंट डिसीजन किस बेसिस पे लेने वाला है? कॉस्ट अकाउंट्स के पीएल पे। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं कॉस्ट में, गारंटीड है तुम लोग सारा राइट आंसर अपने आप देगा। अब हम एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं कॉस्ट में। ये फूड डिवीजन था, मान लो फूड डिवीजन में बनता है 3 प्रोडक्ट, 1 आशीर्वाद आटा, अगला बनता है सनफीस्ट, तीसरा बनता है बिंगो। नाम सुना है बिंगो? एक पथेटिक सा चिप्स है, नाम सुना है बिंगो? अच्छा है, अच्छा है। हाँ एक सेकेंड, तुम लोग जैसे 11 बजे आएगा तुम लोग इस बीच में खा पाएगा ना, मतलब ब्रेकफास्ट और करके आ पाएगा ना? आज तुम लोग सब खा पी के आए हुए ना? कितने लोग आज नहीं खाए हुए हैं?
कुछ नहीं खाइए, मैं 7 बजे से, नेक्स्ट डे से प्लीज खा के आना, ठीक। अगर बोलेगा तो ऐसा कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कैंटीन बोले हम स्टार्ट करवा दें। कैंटीन लंगर नहीं बोले हैं, फ्री में। या फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट डे तुम लोगों के लिए कुछ अरेंजमेंट करता है, घबराना मत। एक्चुअली काम करें, सबसे बेस्ट लाइफ पता है किसके, लाइव ऑनलाइन आराम से लेटा हुआ होगा, बीच में चाय पी रहा होगा, मैगी खा रहा होगा, एक दो बार सुन लिया। मान लो मेरा ये फूड डिवीजन में बनता है 3 प्रोडक्ट, एक बनता है आशीर्वाद, एक बनता है सनफीस्ट, तीसरा बनता है बिंगो। एक काम करिए, तीनों को थोड़ा इधर कर देते हैं, यहां लिखते हैं चचा, ठीक। देखो कुल मिला के मेरा सेल वैल्यू है 1 लाख। अब ये जो सेल वैल्यू 1 लाख था, ये तीनों मिलाकर आया होगा, मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, ये 40,000 है, ये 30,000, ये 30,000, ठीक। माइनस करना है मेरे को चारों कॉस्ट, मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। मेरा मटेरियल कॉस्ट है 30,000, मेरा मटेरियल कॉस्ट है 30,000, मान लो कितना कितना है, 12,000, 9,000, 9,000, तुम लोग ऐड करते देखते चलना, छठी लिख रहा है, मतलब कैलकुलेशन सही है ना। वैसे आज सुबह सुबह का टाइम ठीक ही चल रहा है। मेरा वेजेस 20,000, जनरली मेरा लोचा होता है संडे, फिर सैटरडे नाइट थोड़ा फिर संडे सुबह सुबह थोड़ा उसमें रहता है। कुछ आवाज आया सुनाई भी दिया पर हम रिपीट नहीं कर रहे। मान लो मेरा वेजेस लगा है 5, 5, 10, ठीक। मेरा अगला क्या है, फैक्ट्री एक्सपेंस 5,000, मेरा फैक्ट्री एक्सपेंस है 5,000, ये मान लो आया 1,000, 2,000, 2,000, और लास्ट में मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 30,000, मान लो ये मेरा लगा है 5, 10, 15। क्या मेरा कैलकुलेशन सही चल रहा है ना? यानी हम लोग एक बार कैलकुलेट करते हैं मेरा प्रॉफिट हर एक प्रोडक्ट में क्या आया। यहां पे 40,000 है माइनस 12, 5, 17, 18, 23, ये आएगा 17,000, ये आएगा 9, 5, 14, 16, 26, ये आएगा 4,000, ये है 9, 19, 21, 36, ये आएगा माइनस 6,000। देखो देखा मेरा प्रॉफिट टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा, 17 + 4, 21 - 6 कितना आएगा 15,000, मेरा प्रॉफिट कितना था 15। क्लियर है यहां तक? अब एक काम करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स के पीएल को मैं फाड़ के फेंकता हूं। अब ये जो कॉस्ट अकाउंट्स का पीएल ये तुम लोगों को प्रेजेंट करता है, अब तुम लोग से हम 2 क्वेश्चन पूछेगा, इसका आंसर देना, अपने आप समझ में आएगा कि इससे क्या फायदा था जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं था। बता दो ये कॉस्ट स्टेटमेंट को देखकर, पता है एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे कंपनी को ना अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने से रोक रहा है, आप बोलो कौन सा? बिंगो। यानी ये जब जैसे हम लोग कॉस्ट शीट बनाए जो हमेशा बनता है प्रोडक्ट वाइज, जैसे हम लोग कॉस्ट शीट बनाए जो हमेशा बनता है प्रोडक्ट वाइज, मेरे को पहला चीज समझ में आया यार, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे कंपनी को ना प्रॉफिट कमाने से रोक रहा है। यानी ऐसे प्रोडक्ट में ना मेरा टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगा क्या ऐसे प्रोडक्ट को कंटिन्यू करे, क्या ऐसे प्रोडक्ट को कंटिन्यू करे या फिर डिसकंटिन्यू करे, पता है ये वो डिसाइड करेगा। मान लो बिंगो का पहला साल है तो पहला साल तो लॉस होना नॉर्मल है, मान लो सेकेंड ईयर है चलेगा लॉस होगा, पर वही मान लो लगातार हर साल 10-15 साल से लॉस पे लॉस हो रहा है तो माइट भी वो इस प्रोडक्ट को क्या करना चाहेगा, डिसकंटिन्यू। यानी पता है फाइनेंशियल अकाउंट्स की पीएल को देख के ये नहीं समझ में आया था, पर जैसे ही कॉस्ट अकाउंट्स का पीएल बना देखकर समझ में आया कि भाई कौन से प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट या लॉस है, जिसके अंदर में लॉस है उसमें डिसाइड करना चाहेगा क्या ऐसे प्रोडक्ट को मैं कंटिन्यू करूं या फिर डिसकंटिन्यू। तो देखो ये डिसीजन वो ले पाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, अब ये दोनों ही प्रॉफिटेबल है, पर बताए दोनों ही प्रॉफिटेबल है पर इन दोनों में एक प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, आप बोलो कौन सा? यानी अगर गिवन एन ऑप्शन, अगर एक कंपनी एक प्रोडक्ट के सेल को ज्यादा बढ़ाना चाहेगा ना, पता है हमेशा किसका ज्यादा बढ़ाना चाहेगा? आशीर्वाद का। रीजन क्या है? इसका प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा अच्छा है। तो देखो किसको कंटिन्यू करे या डिसकंटिन्यू, किसके प्रोडक्ट को सेल ज्यादा किया जाए, ये सारा डिसीजन वो तब ले पा रहा है ना जब उसके पास कॉस्ट वाला पीएल आया है। एक मिनट, तुम लोग का 11, 12
नहीं या शायद पता नहीं, 11 12 ईयर फाउंडेशन में एक रेशियो सुना हुआ है क्या, जीपी रेशियो? एक्सेंट जीपी जीपी रेशियो का फॉर्मूला किसी को पता है? डैश बाय डैश इनटू डैश, ऊपर क्या नीचे क्या इनटू क्या? याद है जीपी रेशियो होता था जीपी बाय सेल इनटू 100। ये सेम 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 लॉजिक लगाते हुए बताओ, अगर ये मेरा नेट प्रॉफिट आया, अगर मान लो नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करे फॉर्मूला क्या होना चाहिए? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेम इनटू 100। अच्छा इनटू 100 क्यों करते हैं? परसेंटेज बनाने के लिए। एक काम करें, नेट प्रॉफिट है 17,000 डिवाइड करते हैं, सेल वैल्यू है 40,000, क्या 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 ये आएगा 42.5%। जरा एक और दूसरा लेगा कैलकुलेट करें, नेट प्रॉफिट है 4,000 डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू है 30,000, 4,000 बाय 30,000 इनटू 100 ये आएगा 13.33%। और ये तो बेचारा लॉस में है, क्या निकलना, छोड़ो। अब एक काम करें, एक लाइन बोलता है, बोलते बोलते चुप हो जाएगा, ये मत सोचना भूल गए कंप्लीट करना, मैं बोल रहा हूं। पता है इसमें नेट प्रॉफिट रेशियो है 42.5%, ये क्या चीज को इंडिकेट करता है कि अगर बाय चांस मेरा कंपनी अपने आशीर्वाद की सेल को 100 रुपया बढ़ाएगा, अगर बाय चांस मेरा कंपनी आशीर्वाद की सेल को 100 रुपया बढ़ाएगा, तो 100 रुपया बढ़ाने की वजह से पता है इसका प्रॉफिट कितना रुपया बढ़ जाएगा? 42.5। यानी अगर सेल बढ़ेगा 100 रुपया, तो इसका इसकी वजह से प्रॉफिट कितना बढ़ेगा? 42.5। अब अगला लाइन कंप्लीट करना, वही अगर बाय चांस मेरा कंपनी सनफीस्ट के सेल को 100 रुपया बढ़ाए, अगर सनफीस्ट के सेल को 100 रुपया बढ़ाए, तो 100 रुपया बढ़ाने की वजह से मेरा प्रॉफिट कितना रुपया बढ़ेगा? 13.33। तो भाई अगर सेल 100 रुपया बढ़ाना ही है तो क्यों ना आशीर्वाद का बढ़े, ताकि प्रॉफिट तो 42.5 बढ़ेगा, वहां बढ़ेगा खाली 13.33। तो ध्यान देना, ये सारा डिसीजन इसको देखकर नहीं लिया जा रहा था, ये सारा डिसीजन लिया जा रहा है इसको देखकर। यही कारण है कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं कॉस्ट। क्लियर है? Yes, sir. अरे बोलो ना। Yes, sir. मैंने हम भी छुपे, तुम लोग मेरे को देख रहे हैं, मैंने ऐसे तड़पाया मत करो यस सर के लिए। चलो एक काम करें, जितना अभी तक कहानी किए पहले लिखते हैं दो शब्द, प्लीज एक अपना नोटबुक निकालना, पहले लिखते हैं दो शब्द। जब हम लिखवाते हैं हम हमेशा बोलते हैं दो शब्द, बोलिए क्या एसी को बंद करना है? देखो वहां पे ना स्विच वहीं पर है, तुम उसको ऑफ कर दो, ठंड लग रहा है इतने गर्मी में, कितना कमजोर है। जो लाइव ऑनलाइन कर रहे हैं एक बार प्लीज आप लोग भी कंफर्म करिए कि आप लोगों को क्लियर है यहां तक, बस खाली यस या नो लिखकर। हाँ हम दिखा रहे हैं, यस सर क्लियर है, क्या बात है विधि जी, क्या बात है अर्चना जी, ऋषिका जी, उज्जवल जी, गौतम जी, अपरजिता, सब, हाँ सबको एक साथ, हाँ यस सब, अब डन, छोड़ दो छोड़ दो, क्लियर है, चलो हाँ हाँ क्लियर है क्लियर है। चलो काम करना, पहला लिखा सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन। पहला लिखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ये क्यों है। कॉस्ट अकाउंटिंग में डैश के लिखा, इट डिनोट द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अब बताओ मेरा हैंडराइटिंग कैसा लग रहा है? मस्त, पास्ट का सारा बैचेस मेरा हैंडराइटिंग को क्रिटिसाइज करता था, मैं घर जाता था दुखी हो जाता था, खोपचे में जाके रोता था। अच्छा खोपचा वर्ड क्या है? ये मेरे एक वर्ड है खोपचा, इसमें कुछ गलत सेंस मत लेना। इट डिनोट्स द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, इट डिनोट्स द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, which deals with
मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग क्या एक ऐसा मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो डील करता है, अब हम तीन शब्दों का प्रयोग करेगा, तीन वर्ड्स हम यूज करेगा, आई डिनोट द मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विथ प्रिंसिपल्स। ये हम समझाएगा क्या है सब, प्रिंसिपल्स कॉमा मेथड्स एंड टेक्निक्स। मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ऐसा मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो डील करता है तीन वर्ड से, पहला है प्रिंसिपल। जैसे एक एग्जांपल दे प्रिंसिपल का, तुम लोगों का फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, एक प्रिंसिपल है कि इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं एट डैश और डैश विच एवर इज डैश, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये एक प्रिंसिपल है। वैसे कॉस्ट में बहुत सारा प्रिंसिपल्स है। मेरा अगला है मेथड, इनफैक्ट जो भी हमारे इंडेक्स में ना वो सारे के सारे मेथड का नाम है। देखो कितना सारा मेथड है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, अगला मेरा प्रोसेस कॉस्टिंग है, जॉब एंड डैश कॉस्टिंग है, सब मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, ये करके जानेंगे। और अगला है मेरा टेक्निक, किस तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ये सब एक एक करके हम लोग डिटेल में जानेंगे। आज यानी मेरा पहला बात, ये एक ऐसा मेथड ऑफ अकाउंटिंग है जो डील करता है, एक मिनट, तीन वर्ड से, पहला मेथड एंड टेक्निक। बोला ये कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज कौन करेगा, शेयर होल्डर करेगा या टॉप मैनेजमेंट यूज बाय, और ये क्यों यूज करेगा, डिसीजन लेने के लिए, यहां लिखते हैं यूज बाय टॉप मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, यूज बाय टॉप मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है यहां तक, अरे कौन चिल्ला रहे हैं, उनको बोलो थोड़ा दियो, एक सेकंड, गेट खोलो, गेट खोलो, अरे उसको बोले, जो ही बोल रहा है, आराम से आराम से बात करना, चिल्लाना नहीं, वापस पूरा। आई डिनोट द मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विद प्रिंसिपल्स, मेरा अगला है मेथड्स एंड टेक्निक यूज बाय, बाद में यूज बाय टॉप मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है यहां तक, अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्जाम में काफी बार आता है, तीन चार मार्क का थ्योरी, अब ये टॉपिक को ना एक मिनट में करेंगे। पता है कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ने का उद्देश्य है कुल मिलाकर चार, पहला प्रोडक्ट वाइज सेल निकालना, ध्यान देना फाइनेंशियल अकाउंट में टोटल सेल मिलता था, या प्रोडक्ट वाइज मिलता है, मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्ट वाइज सेल। मेरा अगला ऑब्जेक्टिव पता है क्या निकालना, प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट। तो एक बात बताओ, प्रोडक्ट वाइज सेल आ गया, प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट आ गया, सेल आ गया, कॉस्ट आ गया, मतलब क्या आ जाएगा, मेरा तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालना। और पता है जैसे ही प्रॉफिट आया, पता है जैसे ही प्रॉफिट आया, तुरंत मेरा टॉप मैनेजमेंट तैयार है डिसीजन लेने के लिए, जैसे ही प्रॉफिट आया मेरा तुरंत टॉप मैनेजमेंट तैयार है डिसीजन लेने के लिए। क्वेश्चन उठते हैं कितना, दो, पहला लॉस मेकिंग को, एक से वो वर्ड हम क्या यूज किया था, लॉस मेकिंग को क्या करे या क्या करे, कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू। अगला जो मेरा प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट है उसका एक रेशियो निकालेगा, एक मिनट, कौन सा रेशियो, और हमेशा उस प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा जिसका रेशियो कम रहे या ज्यादा रहे, यानी अगला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, डिसीजन क्या लेगा कि भाई एनपी रेशियो निकालेगा, जिसका रेशियो ज्यादा है उसके सेल को बढ़ाएगा ताकि उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। एक मिनट, चार ऑब्जेक्टिव था बताओ, पहला प्रोडक्ट वाइज सेल, प्रोडक्ट वाइज, तीसरा प्रोडक्ट वाइज, जैसे प्रॉफिट आया कौन तैयार है, क्या लेने के लिए, कितना लेगा, कितना डिसीजन लेगा, दो, पहला लॉस मेकिंग को क्या करे या क्या करे, कंटिन्यू करे या डिसकंटिन्यू, प्रॉफिट मेकिंग एक रेशियो निकालेगा, जिसका रेशियो उसके सेल को, ताकि प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये था मेरा ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग, बोलो क्लियर है, चलिए काम करें। पहले लिखते हैं दो शब्द, यहां लिखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मेरा अगला लिखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मेरा पहला उद्देश्य क्या है, प्रोडक्ट वाइज सेल निकालना। तो भाई पहला लिखते हैं असर्टेनमेंट ऑफ प्रोडक्ट वाइज सेल,
फाइनेंशियल अकाउंट हमेशा होता था टोटल में, मेरा कॉस्ट होता था हमेशा प्रोडक्ट वाइज, तो प्रोडक्ट वाइज सेल मेरे को कॉस्ट में मिलेगा। एक मिनट याद है सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट। मेरा अगला क्या आएगा, अ सर्टेन मिनट ऑफ प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट। पहला है सेल, अगला है कॉस्ट। सेल मिल गया, कॉस्ट मिल गया, यानी अपने आप क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी। मेरा तीसरा है कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी। अब तो जैसे ही प्रॉफिट आया, जैसे ही प्रॉफिट आया, कौन तैयार है क्या लेने के लिए, कितना लेगा, पहला लॉस टेकिंग को क्या करे या क्या करे। मेरा प्रॉफिट मेकिंग एक रेशियो निकालेंगे, जिसका रेशियो ज्यादा रहेगा उसके सेल को बढ़ाएंगे ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। क्लियर है यहां तक? अगला लेते हैं पॉइंट फोर। पॉइंट फोर, असेस द टॉप मैनेजमेंट। इन डिसीजन मेकिंग, ये मेरा क्या करने वाला है, टॉप मैनेजमेंट को असिस्ट करेगा यानी हेल्प करेगा डिसीजन लेने में। वो डिसीजन क्या है, ए। तुम लोग समझा, मतलब पॉइंट नंबर फोर मेन हेडिंग है, क्या डिसीजन लेगा वो ए बी। ठीक, मेरा पहला डिसीजन है इवेल्युएट करना है कि लॉस मेकिंग को चलाए या ना चलाए। इवेल्युएट, तुम्हें वो क्लास में गर्मी नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो वहां पे एसी बंद हो रहा है और हमें टप 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 बरसा पानी में जी रहा है। इवेल्युएट वेदर लॉस मेकिंग प्रोडक्ट शुड बी कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड। मेरा पहला डिसीजन है इवेल्युएट करेगा जो मेरा लॉस मेकिंग प्रोडक्ट आया, क्या उसे मैं आगे बढ़ाऊं या उसको यहां पर खत्म कर दूं। पहला डिसीजन वो लेगा। मेरा अगला डिसीजन वो लेने वाला है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट कॉमा विच, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट कॉमा ऑफ विच सेल शुड बी इंक्रीज्ड। इनफैक्ट कॉमा की जरूरत नहीं, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ विच सेल्स शुड बी इंक्रीज्ड टू इंक्रीज द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। और ये आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, ब्रैकेट में बाय कैलकुलेटिंग, याद है उस रेशियो का नाम क्या था, बाय कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। यानी अगला मेरे को आइडेंटिफाई करना है कौन से प्रोडक्ट के सेल को बढ़ाया जाए ताकि मेरा ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ेगा। ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एनपी रेशियो निकालकर। क्लियर है यहां तक? अब एक और लिखना पॉइंट नंबर सी। तुम बोले पहले तो बताए नहीं थे, नहीं बताए थे, अब बता रहे हैं। पहले क्यों नहीं बताए, कुछ कारण था। लिखते हैं पॉइंट नंबर सी, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन कॉमा इफ पॉसिबल। एक सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड है इफ पॉसिबल। यानी मेरा तीसरा डिसीजन वो क्या लेने वाला है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, कॉस्ट को कम भी करना है, पर भाई तभी करना जब ये पॉसिबल हो। तुम लोग पॉसिबल तो हमेशा ही रहेगा, नहीं बताए। अब एक सेंस तुम लोग का थोड़ा कमर्शियल सेंस को टेस्ट करते हैं, देखिए आंसर कौन देगा। देखो अभी मेरे को एक चीज समझ में आया कि बिंगो में आ रहा है लॉस। अब मेरा टॉप मैनेजमेंट सोचा चलो ये काम करें, इस लॉस को ना कम करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, तो ये काम करते हैं खर्चा को कम कर देते हैं। और ये किसको चुना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये डिसाइड किया चलो ये काम करें, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कम करेंगे।
मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग का खर्चा, थोड़ा सा बुद्धि लगा के बताएगा। अगर मान लो मेरा कंपनी एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग कम करने लगे, अगर मान लो मेरा कंपनी एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग कम करने लगे तो खर्चा तो कम हो जाएगा, पर क्या लगता है ये करने से एक और चीज कम होगा क्या? सेल कम हो जाएगा। यानी ये खर्चा बचाने के चक्कर में अगर बाई चांस सेल भी कम हो गया तब ये खर्चा कम करके करेंगे क्या? यही कारण है क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, बिल्कुल करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है वो भी करना है, पर वो तभी करना अगर ये पॉसिबल रहे। कैसे पॉसिबल रहे? विदाउट इंपैक्टिंग द सेल वैल्यू। ठीक, एक मिनट, सबका चेहरा ऊपर, कोई नीचे मत देखना। अब देखें तुम लोग आज का क्लास अभी तक कितना सुना है, सबका चेहरा ऊपर। पहले हम कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन बोलना स्टार्ट करेगा, बोलते बोलते चुप हो जाएगा, उसको फिल इन द ब्लैंक्स करना। मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग आई डिनोट द मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विथ यूज्ड बाय फॉर डिसीजन मेकिंग। जाने मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कुल मिलाकर है चार। मेरा पहला प्रोडक्ट वाइज सेल, प्रोडक्ट वाइज सेल मिला, कॉस्ट मिला, जैसे ही प्रॉफिट मिला कौन तैयार है क्या लेने के लिए? कितना लेगा, दो या तीन? दो या तीन, लास्ट में एक तीसरा वाला भी जोड़ दिया था, तीन। पहला लॉस मेकिंग को क्या करे या क्या करे? मेरा प्रॉफिट मेकिंग एक रेशियो निकालो, जिसका रेशियो उसके सेल को, ताकि प्रॉफिट बढ़ेगा। तीसरा क्या था? कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन कॉमा इफ पॉसिबल। बोलो क्लियर है? अरे बोलो ना, चलो डन। अब हमारा बेसिक वाला बात होता है खत्म। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे कॉस्ट शीट चैप्टर के साथ नहीं, पर आज मेरे को ऐसा बेसिक चीज बताना है जो पूरे कॉस्ट में काम आएगा, कि फैक्ट्री क्या होता है, इसमें क्या क्या, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, हेड ऑफिस क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, जो हमारे कल के क्लास में काम आएगा। और लास्ट में हम आप लोगों को दिखाएंगे दो तीन वीडियो। पिछले टर्म में हम ज्यादा वीडियोस नहीं दिखाता, पर इस टर्म ज्यादा वीडियोस दिखाएगा कोई कंसेप्ट को समझाने के लिए। बोलिए कि बीच में डिफरेंस क्या है? आएगा आएगा आएगा। जब हम वीडियो दिखाएगा ना, उसको एंटरटेनमेंट के लिए मत देखना, एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से देखना। जब हम वीडियो चलाएंगे हम सारा लाइट बंद कर देंगे ताकि पूरा फोकस यहां पर रहे। तुम्हारा एक गंदा मुस्कान। तो यहां पर तुम लोग देखना, और साथ साथ में ना हम रनिंग कमेंट्री करता रहेगा, और जब जब वो वीडियो के बेसिस पे हम जब अगला दो तीन क्लास से बताएगा ना, हम रिलेट करेगा, तो तुम लोग आंसर देना। ठीक, जब जिसे वीडियो चला तुम लोग ले पॉपकॉर्न का भी कुछ अरेंजमेंट करे, पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक। चलेगा। अब एक काम करते हैं, वो सब हटाओ, अब बात करते हैं हम लोग कॉस्ट शीट शुरू करेंगे, जिसके लिए मेरे को चाहिए आईटीसी का अगला डिवीजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन है, जिसके भरोसे आज आईटीसी चल रहा है, वो है सिगरेट डिवीजन। मेरे को समझाना बड़ा आसान हो जाएगा अगर बाई चांस किसी का सिगरेट है वो मेरे को अगर दे। दो ना। अरे घर में नहीं बताएगा, दो ना मेरे पॉकेट से। कोई दे रहा है क्या? चलो ठीक है। एक और प्लीज गेट बस बाहर में खोलो ना, देखते हैं। उनको खाली समझाने के लिए पूरा डब्बा उठा के ले आओ, हर बार ही तो लाते हो भाई। चलो, इसे कहते हैं सीक्रेट। अभी नहीं, बाद में। पर उसके पहले हम ये चीज संग संग में डिस्क्लेमर चलाना चाहेगा, क्योंकि अगर बाई चांस को ये वीडियो के बेसिस पे मेरे पे केस कर दिया तो मुश्किल होगा। डिस्क्लेमर साथ में चल रहा है। बेसी ये हीरो नहीं बनना है, ये वाला ठीक है। ठीक, अब देखो हम बताते हैं आज जो सिगरेट बनता है इसका प्रोसेस क्या। तुम बोले क्यों बता रहे हैं, अगर ये समझ गया ना क्वेश्चन बताना मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। पर ये सब बताते हैं, पर उसके पहले एक मिनट बताते हैं। ये
इंडिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो सिगरेट का वो है आईटीसी। किसी को पता है आईटीसी का हेड ऑफिस कहां पर है? कोलकाता। वन ऑफ द रेयर अच्छा कंपनी जिसका हेड ऑफिस कोलकाता में है, बाकी सब तो निकल लिए यहां से, पर अभी भी आईटीसी टिका हुआ है। कहां पर है? कैलकटा में। ये किधर है? तुम लोग सी ए इंस्टीट्यूट देखा है? वो वाला नहीं, कस्बा वाला नहीं, वो जो गांव वाला नहीं, जो शहर में प्रॉपर मैदान मेट्रो से उतरेगा, जीवन दीप है, जब लेफ्ट लेगा तो आईसीआई है, टूवर्ड्स आगे बढ़ेगा पार्क स्ट्रीट की तरफ तो तुम लोगों को दिखेगा आईटीसी का हेड ऑफिस। तुम लोग अब रियलाइज करेगा मेरा हैंडराइटिंग बहुत सुंदर, हैंडराइटिंग नहीं मेरा ड्राइंग है वो भी बहुत सुंदर है। मैं आप लोगों को बनाकर दिखाने वाला हूं आईटीसी का हेड ऑफिस, देखना एकदम मन खुश हो जाएगा। आईटीसी का हेड ऑफिस। मेरा क्वेश्चन उठता है आईटीसी के हेड ऑफिस में कौन बैठेंगे? इसके टॉप फ्लोर में कौन रहने वाला है? वहां का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक सेकंड, आईटीसी के चेयरमैन का नाम क्या? क्या पूरे क्लास में खाली एक जन बोला? तुम लोग को तो पता होना चाहिए था कि फाउंडेशन में एक सब्जेक्ट था बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, और उसमें एक बड़ा खतरनाक चैप्टर था जिसमें दुनिया जहां का सारे के सारे कंपनी के सीईओ सीएफओ के बारे में पता था। इसके सीएफओ सॉरी चेयरमैन का नाम है मिस्टर संजीव पुरी। आपका नाम क्या है? तने। मिस्टर संजीव पुरी के पहले कौन थे? नहीं चलो इतना पता भी बहुत है। मिस्टर वाइस लेट वाईसी देवेश्वर। यानी जो टॉप फ्लोर है उस पर बैठेंगे सारे के सारे चेयरमैन या सीईओ या सीएफओ या सारे डायरेक्टर। क्वेश्चन उठता है और कौन बैठेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड। और कौन बैठेगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड। और कौन बैठेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड। अगर बैचा सुन लोग का पोस्टिंग होता है हेड ऑफिस में, आप लोग रहेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर में। और कौन रहेगा? एचआर डिपार्टमेंट की हेड। और कौन रहेगा? लीगल डिपार्टमेंट का हेड। और कौन रहेगा? एडमिन डिपार्टमेंट का हेड। और कौन रहेगा? सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का हेड। और कौन रहेगा? एक तल्ला खाली रह गया, पार्किंग। सिक्योरिटी गार्ड। ठीक, ये मान लो हमारे आईटीसी का हेड ऑफिस है जहां पे रहेगा टॉप मैनेजमेंट और सारे के सारे डिपार्टमेंट का हेड। अब आईटीसी का काम है सिगरेट बनाने का। सिगरेट को बनाने के लिए लगता है तीन रॉ मटेरियल, एक टोबैको, एक फिल्टर रॉड, एक जो ऊपर में रैप करता है वो होता है सिगरेट पेपर। ये अगर बाईचांस टोबैको रहे, फिल्टर रॉड रहे, सिगरेट पेपर रहे, आराम से सिगरेट बन जाएगा। पिछले एक घंटा 15 मिनट में ऐसा टेंशन हमने देखा था जो पिछले एक मिनट में था कि भाई हाँ आज घर जाके ये बनाने जीवन का उद्देश्य मिल गया। यानी अगर बाईचांस तीन मटेरियल रहा तो आराम से हम लोग सिगरेट बना सकते हैं। तुम लोग बताओ, तुम लोग के हिसाब से जो सिगरेट बनाने का काम है क्या लगता है हेड ऑफिस में होता होगा? क्या लगता है? मिस्टर संजीव पुरी बोलता होगा अला भाई तंबाकू दे यार सिगरेट बनाएंगे थोड़ा। वो तो रहेगा नहीं, ऑब्वियस सा बात है। जितना प्रोडक्शन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो सिगरेट बनाने का काम है, बताओ ये कहां होने वाला है? फैक्ट्री। अब बनाएंगे फैक्ट्री, आईटीसी का फैक्ट्री, सिगरेट फैक्ट्री इंडिया में है 5 जगह। एक बाजू में है खिदरपुर, यहां से हाफ एन आवर 45 मिनट दूर। एक है बिहार में मुंगेर बोल के जगह, वहां पर एक उत्तर प्रदेश, यहां पे कोई मुंगेर का है? चलो आप मुंगेर से हैं, है ना आईटीसी का फैक्ट्री? अच्छा मैं पहले बता दिया, क्यों पहले मुंगेर को बड़ा उस सुनाता है, बोला कहां पे खाया हम पिछली बार, बोला मुंगेर जैसे कोई छोटा सा जगह में आया, एक लड़का सुनते गया, कुछ देर बाद बोला क्या क्या निकालू, कंटप्पा निकालू, ज्यादा बोले तो। चलो एनीवेज, एक हमारा है खिदरपुर, एक हमारा है मुंगेर, एक उत्तर प्रदेश में है सहारनपुर, एक है कर्नाटका में बैंगलोर, जो सबसे बड़ा फैक्ट्री है आईटीसी का पैन इंडिया। एक दिन में 100 मिलियन सिगरेट बनता है ओनली बैंगलोर सिगरेट फैक्ट्री में। एक पांचवा फैक्ट्री है, पता नहीं क्यों है वहां पर, उस जगह का नाम है रंजन गांव। पांच जगह है खिदरपुर, मुंगेर, सहारनपुर, बैंगलोर तक सही था, और एक और है रंजन गांव। मेरे को ध्यान है आज हम लोग 8 लोग ज्वाइन किए थे तो हर एक एक डिपार्टमेंट दिया गया, जो जैसा देखा उसको वैसा डिपार्टमेंट दे दिया।
एक लड़का जेनी सुबह टीके लगा के आता था उसको पकड़ाया अगरबत्ती डिवीजन, एक लड़का मोटा दिन भर खाते रहता उसको पकड़ाया फूड डिवीजन, पता नहीं वो लोग मेरे अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट देखा हमको पकड़ाया सिगरेट डिवीजन। आज जब मेरे को सिगरेट डिवीजन दिया गया हमको कोई दिक्कत नहीं था, पर हम जाके रिक्वेस्ट किया बोला सर आप सिगरेट डिवीजन दे रहे हैं दीजिए, आप जहां बोलेंगे जाएंगे, हम रंजन गांव नहीं जाएगा। मैंने कितना गंदा लगेगा, कोई रिलेटिव मिलेगा फ्रेंड बोलेगा भाई रंजन कहां जा रहे हैं, बोला रंजन गांव जा रहे हैं। तो लास्ट रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे को मिला था आईटीसी का सबसे बड़ा डिवीजन सिगरेट का, वो था बैंगलोर सिगरेट फैक्ट्री। अब बताते हैं हमारा फैक्ट्री के अंदर में होता क्या है। अगला बनाते हैं बैंगलोर सिगरेट फैक्ट्री, ढंग से देखना यह मेरे बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगा, एकदम नॉर्मल बात है। ये हमारा फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अरे मेरा फैक्ट्री कहाँ गया? रंजन गांव गया। देखिए सुंदर नहीं बन रहे। हाँ बताते हैं हमारे फैक्ट्री के अंदर में मेन कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है। मेरे फैक्ट्री के अंदर में मेन डिपार्टमेंट होता है पांच। पहले डिपार्टमेंट का नाम है स्टोर्स डिपार्टमेंट, मेरे अगले डिपार्टमेंट का नाम है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तीसरे वाले का नाम है फाइनेंस डिपार्टमेंट, और एक और डिपार्टमेंट का नाम है एचआर डिपार्टमेंट। पर भाई जो मेन डिपार्टमेंट है जिस चीज के लिए फैक्ट्री सेटअप किया जा रहा है उस डिपार्टमेंट का नाम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक, प्रोडक्शन करने में कुल मिलाकर यहां लगता है तीन मशीन। पहले वाले का नाम है कटिंग, अगले वाले का नाम है मॉइस्चर फ्लेवर, तीसरे वाले का नाम है पैकिंग। हर मशीन के सामने रहेंगे वर्कर्स। देख रहे मैं ड्राइंग देख रहा तुम लोग, मस्त वाला फील नहीं हो रहा है? ठीक बताओ कैसा लगा मेरा ड्राइंग? बहुत बढ़िया। क्या क्या दूसरा ऐसे ना मशीन में काम कर रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है, मैंने ऑब्जर्वेशन क्या था इसके एक हाथी क्यों है। ये मेरा फैक्ट्री जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, हम बताते हैं हर एक डिपार्टमेंट का रूल क्या है। जैसे कि हम बताया कि सिगरेट को बनाने में चाहिए तीन रॉ मटेरियल, एक लगता है टोबैको, ठीक, एक था फिल्टर रॉड, एक था सिगरेट पेपर। ठीक, अब तुम लोग बताओ, तुम लोग के हिसाब से एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। आपका नाम क्या है? हिमांशु। बुरा नहीं मानता? पक्का बुरा माने तभी आई डोंट केयर। देखो हिमांशु, मान लो हिमांशु कौन है? हमारे टोबैको का सप्लायर। मान लो आईटीसी फैक्ट्री के इंचार्ज है, ये हमारा टोबैको सप्लायर है, अभी से लेके आखिरी क्लास तक तुम्हारा नाम है टोबैको बॉय। ठीक, ये हमारा टोबैको सप्लायर। अब भाई जब भी मेरे को सिगरेट बनाना है उसके लगेगा टोबैको, जब टोबैको लगेगा हम किससे लेने वाले? हिमांशु से। हम हिमांशु को कॉल करें, हिमांशु रंजन फ्रॉम आईटीसी। बोले हाँ हाँ बोलिए रंजन जी। हाँ बोला भाई टोबैको चाहिए जल्दी से भेज। बोला बस आते हैं दो दिन में, गेट खोल के रखिए। हाँ बोला चलो। अब जैसे टोबैको आएगा, तुम लोग देखिए बताओ ये सारे डिपार्टमेंट को, जैसे टोबैको आएगा फैक्ट्री में, तुम लोग के हिसाब से कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा? सीधा प्रोडक्शन में जाएगा या किस में जाएगा पहले? ये किस में जाना चाहिए? स्टोर्स डिपार्टमेंट में। तो देखो भैया स्टोर्स डिपार्टमेंट में टोबैको पहुंच गया। अगला चाहिए फिल्टर रॉड, ये भी पहुंच गया। अगला चाहिए सिगरेट पेपर, देखो ये भी पहुंच गया। यानी मेरे स्टोर्स डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? जब रॉ मटेरियल आएगा वो ढंग से अपने पास रखेगा। पर बताओ ये सारे मटेरियल को यूज कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? और जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूज करेगा उसको वो इश्यू करेगा। यानी उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है? मटेरियल को रिसीव कर, अपने पास स्टोर कर, जब प्रोडक्शन मांगेगा उसको इश्यू कर। क्लियर है यहां तक? मेरा अगले वाले का नाम है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मेरा क्वेश्चन उठता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है? सुबह से शाम मशीन चल रहा है, और भाई ये सब कंपनी में फैक्ट्री में 365 दिन काम होता है 24 आवर करके। तुम लोग एक वर्कर जो आएगा 24 घंटा काम करेगा? नहीं। पहला शिफ्ट में आप लोग आएंगे सल्टो, फिर आप लोग आएंगे सल्टो, फिर आप लोग आएंगे सल्टो, आठ घंटा आठ घंटा आठ घंटा आठ आठ आठ, इस तरीके से चलता रहेगा। अब एक फैक्ट्री के अंदर में सुबह से शाम जब मशीन चल रहा है, हो सकता है चलते चलते बीच में खराब हो जाए, और अगर भाई चांस
बाय चांस अगर हमारा मशीन खराब हो जाए तो भाई चाहिए एक इंजीनियर ठीक करने के लिए। अब एक ऑप्शन है कॉल करें कि हमारे यहां मशीन खराब हो गया, आप जल्दी से आओ। अब भाई जो भी आदमी आएगा उसको आने में टाइम लगेगा, आकर उसको ठीक करने में टाइम लगेगा, और फैक्ट्री के अंदर में टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। यही कारण है वो लोग अपने इनहाउस एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाकर रखेगा कि जैसी मशीन खराब हो तुरंत फटाक से आएगा ठीक करके जाएगा। एक दिन में 100 मिलियन सिगरेट बनना है, उसमें अगर 4 घंटा भी वेस्ट हो गया कितना बड़ा नुकसान होगा। यही कारण है वो लोग बाहर वालों पर डिपेंडेंट नहीं है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यहां पर पड़ा हुआ है। और मेरा तीसरा काम है फाइनेंस वाला क्या करेगा। हम जब गए थे बैंगलोर फैक्ट्री, पता है मेरा पोस्टिंग कहां पर हुआ था? फाइनेंस के अंदर में। और तुम लोग भी जाएगा, तुम लोग का होगा फाइनेंस के अंदर में। तुम लोग बोलेगा फाइनेंस वाला क्या करेगा जो हम लोग को आता है। तुम बोलेगा हम लोग को क्या आता है, आप लोग को अकाउंट आता है। तुम बोलेगा यानी हम लोग अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे। अकाउंटिंग एंट्री कैसा होगा? जब मटीरियल आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, जब बेचेंगे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, जब पैसा देंगे क्रेडिटर टू बैंक, जब पैसा मिलेगा बैंक टू डेटर, जब वेजेस को पे करेंगे वेजेस टू कैश। तुम लोग बोलेगा हम लोग ये सब काम करेंगे। ये काम करने के लिए आपके अंडर में बहुत सारे आदमी लोग रहेंगे, तुम लोग खाली सुपरवाइज करेगा। तुम लोग बोलेगा सर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हर वो काम करेंगे जो बाकी किसी डिपार्टमेंट के बस का नहीं है। इतनी खुश हुई है जैसे तुरंत करने जा रही है, इतनी खुश। हम लोग हर एक वैसा काम करेंगे जो बाकी किसी डिपार्टमेंट के बस का नहीं है। हर महीने के एंड में जीएसटी पे करना, एक सेकंड, जीएसटी सुना है? जीएसटी वो सुना हुआ है? पता ये होता है सीजीएसटी, और क्या होता है? अरे क्या बात है, भगवान के रूप है तुम लोग सब। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये सारा का सारा कैलकुलेशन कौन करेगा? फाइनेंस वाला। जीएसटी का कैलकुलेशन कौन करेगा? फाइनेंस वाला। मान लो एक मशीन खराब हो गया, एक मशीन परचेज करना है, तो ये मशीन को परचेज करने में कितना कॉस्ट लगना चाहिए, उससे बेनिफिट कितना रुपया आएगा, ये खरीदना चाहिए भी या नहीं खरीदना चाहिए, ये डिसीजन कौन लेगा? फाइनेंस वाला। जब बड़ा बड़ा अग्रीमेंट साइन होगा तो जो फाइनेंशियल एंगल सही चल रहा है या नहीं उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन को कौन पढ़ेगा? फाइनेंस वाला। जो बुक कीपिंग है तो फालतू सा काम है, ये तो कोई और करता रहेगा, पर जितना डिसीजन वाला काम है सब करेगा फाइनेंस वाला। यानी फाइनेंस वाला वो हर एक काम करता है जो बाकी किसी डिपार्टमेंट के बस का नहीं है। ये करेंगे हम लोग। क्लैप करने का रीजन, एक बात देखो, फाइनेंस में है रंजन, रंजन के जस्ट पास में कौन है? एचआर। क्वेश्चन उठता है एचआर वाली क्या करेगी? हाँ एचआर में जनरली लड़की लोग होती है, हाँ वो लोग वैसे भी उसमें एक्सपर्ट होती है। तो एचआर का मेन रोल क्या है? एचआर का मेन रोल क्या है? किसी वर्कर को हायर करना है, कौन करेगी एचआर? किसका सैलरी क्या होना चाहिए, किसको कितना मिलना चाहिए, कौन डिसाइड करेगी एचआर? किसका प्रमोशन होना है, किसका ट्रांसफर होना है, किसका बोनस क्या है, किसका ग्रेच्युटी क्या है, किसका लीव इनकैशमेंट क्या है, सब कौन डिसाइड करेगी? एचआर। यानी जब फैक्ट्री में जाओ किसको पटा के रखना? एचआर। एचआर पटी हुई है जीवन मस्त चलेगा, पर एचआर से अगर झमेला हुआ है कटना स्टार्ट होगा सैलरी, सैलरी कटना स्टार्ट होगा। तो और ऑब्वियस बात है एचआर में जनरली लड़की लोग रहती है, वो लोग के लिए इजी होता है कन्विंस करना किसी को भी। अब सोचो ना, सामने एचआर एक लड़का है, हम इंटरव्यू देने गया, बोले यार सैलरी देंगे 6 लाख, बोला भाड़ में जाने करेंगे। पर वही अगर लड़की है, बोलेगी हम 6 लाख देंगे, बोला जो आपका इच्छा, तो बहुत इजीली कन्विंस होता है। तुम लोग मेरा नेचर वैसा उल्टा सीधा बस समझ रहा, बाकी लोग काम बता रहे हैं वो लोग क्या कैसे होते हैं। ठीक, तो ये हुआ एचआर। पर भाई ये सब डिपार्टमेंट के लिए थोड़ी बनाया हमारा फैक्ट्री, फैक्ट्री बना है प्रोडक्शन करने के लिए। एक मिनट में बताएंगे सिगरेट कैसे बनता है, ज्यादा डिटेल में बताएंगे नहीं। सबसे पहले आता है टोबैको। अभी हमें वीडियो दिखाएगा। टोबैको जब आता है ना इतने बड़े सारे बल्क में, इतना ह्यूज टोबैको एक साथ आता है। अब जब इतना बड़ा टोबैको एक साथ आया, पर सिगरेट तो छोटा सा, अब इतने बड़े टोबैको को सिगरेट पेपर में डाल देंगे तो भाई आदमी कैसे पिएगा? मतलब हम यहां से पी रहे, तुम उधर से भी, तुम इधर से भी, कोई ग्रुप एक्टिविटी थोड़ी है। यानी सबसे पहले करना क्या है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। ये कट करने का काम कौन करने वाला है? कटिंग मशीन।
यानी कटिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, जो बड़ा सारा टोबैको गया था छोटे छोटे माइन्यूट पीसेस में कट होगा। ठीक है ना यहां तक? अब एक बार ये कट हो गया, इसके बाद ये जाएगा मॉइस्चर फ्लेवर मशीन में। टोबैको जो होता है ना बड़ा रफ होता है, बड़ा रफ, इमेजिन करो उतना रफ टोबैको अगर गया सिगरेट पेपर में और वहां पे लाइटर लगाए तो इतना रफ है ना, फटाक से मुंह में आएगा आग और जलने का डर है। इसीलिए इतने रफ टोबैको के अंदर में थोड़ा मॉइस्चर ऐड किया जाता है और फिक्स परसेंटेज है 21%। अगर 21% से ज्यादा मॉइस्चर ऐड कर दिए तो इतना गीला हो गया ना कि आग लगाएंगे बुझ जाएगा, जलाएंगे बुझ जाएगा, तो क्या फायदा। और अगर 21% से कम रहा तो उसका क्वालिटी बड़ा खराब हो गया, वो फटाफट 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 खत्म होगा। यानी वो लोग अपने क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए फिक्स 21% मॉइस्चर ऐड करता है। उसके बाद ऐड किया जाता है फ्लेवर, इनको आइडिया होगा क्या क्या फ्लेवर ऐड होता है? बोलो ना, बोलो ना। हाँ, क्या क्या, कहीं आवाज आ रहा है पीछे से? क्या सही में आइडिया नहीं मिलता? तरह तरह का फ्लेवर ऐड होता है, अब पता नहीं कौन कौन सा ऐड होता है, मेरे को आइडिया नहीं है, मेरा दूर दूर से इसका कोई रिश्ता है नहीं। हम बिना फ्लेवर हम पीते नहीं है, मतलब बिना फ्लेवर का पीता। मेरा मॉइस्चर फ्लेवर ऐड हुआ, लास्ट में जाएगा पैकिंग मशीन। ये मेरा सबसे फेवरेट डिपार्टमेंट, कारण क्या, यहां पता है वर्कर लोगों का जरूरत नहीं है, हर चीज अपने आप होता है। टोबैको आया, फिल्टर रॉड अपने आप लगेगा, सिगरेट पेपर अपने आप रैप होगा, अपने आप सिगरेट में कट होगा, अपने आप पैक में जाएगा, अपने आप पूरा तैयार है। अब जैसे ही सिगरेट तैयार है, ये पता है कहां जाने वाला है? ये पता है कहां जाने वाला है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में। ये जाने वाला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में। एक बार वो यहां वेयरहाउस में पहुंचा, आगे ये क्या करेगा? हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तुम लोगों ने कहा मेरे को करना क्या है, मेरे को निकालना है हर एक सिगरेट का सेलिंग प्राइस क्या रहेगा। मेरे को निकालना क्या है, हर एक सिगरेट का सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, उसी चीज के लिए बनाते हैं कॉस्ट शीट। और पता है ड्राइंग के बेसिस पे, ये डायग्राम के बेसिस पे, अब मेरे को समझाना एक मिनट का चीज रह गया। इन तुम लोग यहां तक क्लियर है? क्या बोला? मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, हर एक का सेलिंग प्राइस क्या रहेगा। सेल निकालना कौन सा बड़ा बात है? सेल निकालना कौन सा बड़ा बात है? जितना खर्चा लगा सबको जोड़ दे। बताओ कॉस्ट में, और कॉस्ट में क्या ऐड करें जो सेल मिलेगा? कॉस्ट तो आ गया, अब कॉस्ट में मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा? प्रॉफिट। मेरे को क्या मिल जाएगा? सेल। डिवाइड कर देंगे जितना भी सिगरेट बन रहा है, क्या मिल जाएगा पर सिगरेट सेलिंग प्राइस क्या चार्ज करना है। मेरा आज का आखिरी लाइन, अब बताने वाले हैं कॉस्ट के अंदर में क्या क्या आता है। हम आज खाली 6 नाम लेगा, बाकी सब जानेंगे नेक्स्ट डे। पर है सिगरेट को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा, तुम सिगरेट को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा क्या चीज का था? भाई सब कुछ रहे पर टोबैको नहीं रहा तो फूकेगा क्या? अगर फिल्टर रॉड नहीं रहा, सिगरेट पेपर नहीं रहा तो कैसे चलेगा? यानी सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा क्या चीज का होता है? मटीरियल का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ मटीरियल। या इसका एक और नाम है डायरेक्ट मटीरियल। इधर बोलेंगे रॉ मटीरियल या बोलेंगे डायरेक्ट मटीरियल। डायरेक्ट क्यों? क्योंकि डायरेक्टली सिगरेट में दिखता है। आप जैसे एग्जांपल दे, ये प्लास्टिक का बोतल दो। नहीं नहीं, पीना नहीं हमको। जैसे ये प्लास्टिक के बोतल को देखे, देखकर समझ में आ रहा है ना कि ये प्लास्टिक का बोतल क्या चीज से बना है? प्लास्टिक से। ऊपर में पता नहीं क्या है, पेपर जैसा कुछ है। सॉरी सॉरी, हम कंपेंसेट करके देगा। ये क्या है? प्लास्टिक से बना है। यानी भाई प्रोडक्ट को दिखते जो समझ में क्या चीज से बना है, इस मटेरियल को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। अगला देखो प्रोजेक्टर स्क्रीन। अगला देखो प्रोजेक्टर स्क्रीन, ये क्या है? ये एक रॉड है, ये ऊपर में कुछ रबर का है, ये एक क्लोथ है। यानी जैसी देखे देखते समझ में आया क्या चीज से बना है, ये मेरा क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। मेरा अगला 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 बताओ और क्या दिखाए? कैलकुलेटर। बताओ कैलकुलेटर को देख के क्या लग रहा है? ये क्या, इसका कंडीशन बहुत खराब है, ये लग रहा है।
ये कैलकुलेटर बताओ क्या क्या चीज से बना है? प्लास्टिक और क्या होगा? अंदर में कुछ चिप रहा होगा, कोई बैटरी रहा होगा, और बोलो क्या? नट बोल्ट्स। हाँ है करेक्ट, थोड़ा बहुत नट बोल्ट्स रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा। अगला ये जो ग्लास है, और अंदर में कुछ कुछ होता होगा जो मेरे को भी नहीं पता। यानी जो जो चीज से ये बना है, जो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, वो क्या है? डायरेक्ट मटीरियल। अगला 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 फैन देखने का जरूरत, पूरा क्लास पलट के देखे फैन कैसा दिखता है। फैन दिखते समझ में आएगा क्या चीज से बना है। अंदर में कुछ वायर होगा, नट्स एंड बोल्ट्स होगा, प्लास्टिक होगा, जो भी होगा, जो दिखते समझ में आया वो मेरा क्या है? डायरेक्ट मटीरियल। तो सिगरेट को दिखते समझ में आया इसमें गया है टोबैको, फिल्टर रॉड, सिगरेट पेपर, मतलब ये क्या है? डायरेक्ट मटीरियल। बोलो पहला वाला क्लियर है? सेकंड लाइन। एक बात बताओ, ये फैक्ट्री के अंदर में तुम लोग के हिसाब से कौन सा डिपार्टमेंट का वर्कर सबसे इंपॉर्टेंट है अगर बाय चांस मेरे को सिगरेट बनाना है? कौन सा डिपार्टमेंट का वर्कर? अगर कोई दिन एचआर नहीं आए चलेगा, फाइनेंस वाला नहीं आए चलेगा, इंजीनियर नहीं आए तब भी चलेगा, अंदर से उस दिन मशीन खराब हो, अलग बात है, नहीं चलेगा। स्टोर्स वाला नहीं आए तो भी चल जाएगा। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वर्कर नहीं आए तो भाई उस दिन काम नहीं होगा। जरिए बताए सिगरेट को बनाने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट का वर्कर सबसे इंपॉर्टेंट है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और ये दुनिया में, संसार में, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो फोकट में कुछ करता है। अगर ये वर्कर कुछ काम कर रहा है इसके लिए पैसा लेगा, और बताओ वर्कर को जो पैसा दिया जाएगा उसको हम लोग क्या नाम देने वाले हैं? वेजेस। पर ये वर्कर डायरेक्टली सिगरेट बनाता है, इसीलिए इसके वेजेस का नाम क्या है? डायरेक्ट वेजेस। मेरा सेकंड लाइन क्या आने वाला है? डायरेक्ट वेजेस। तीसरा एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, ये क्या होता है ये जानेंगे नेक्स्ट डे। हम आज कुछ नहीं बता रहे, पहले दिन सब जान लिया तो नेक्स्ट डे क्या जानेगा। तो पहला हम बताया डायरेक्ट मटेरियल, अगला बताया डायरेक्ट वेजेस, तीसरा बताया डायरेक्ट एक्सपेंस। पता है जैसे ही तीनों को ऐड करते हैं ना, एक कॉस्ट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। एक सेकंड, क्या ये मेरे बोलने के बाद पता था या पहले से? पहले से पता था। कैसे पता था? बिकॉम में पढ़े हैं। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट पे वर्ड आया हुआ है प्राइम। कोई बताओ प्राइम का मतलब क्या? प्राइम का मतलब क्या? बेसिक। प्राइम माने जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे एसेंशियल है। एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर, सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। मेरा प्राइम कॉस्ट क्या है? जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट है भाई, अगर ये तीन नहीं रहा तो सिगरेट बनने का चांस ही नहीं है। मटेरियल नहीं है, या मटेरियल को बनाने वाला वर्कर नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कुछ बोला नहीं इसलिए इग्नोर करो। ये तीनों मिलाकर क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री में देखो, और बहुत सारा खर्चा और लगा होगा, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री में जितना खर्चा लगा बाकी सारे खर्चा को एक साथ ऐड कर दे। हम एक और वर्ड एक्सपेंस यूज कर रहे हैं, ओवरहेड टेक्निकल वर्ड कल यूज करेगा। मेरा अगला, हेड ऑफिस के अंदर में बहुत सारा खर्चा लगेगा। आप पता है हेड ऑफिस के खर्चा को क्या बोलते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। आप बताओ ये ले लिए, एक और बच गया, बोलो कहां का? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का खर्चा। पता है इसको हम लोग क्या नाम देंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। जैसे ही ऐड करेंगे मेरे को मिलेगा टोटल कॉस्ट, ऐड करेंगे प्रॉफिट क्या मिलेगा? सेल वैल्यू। यानी कुल मिलाकर हम 6 लाइन आइटम बताया है, और हम चाहेंगे एक बार बाद में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बारिश हो रहा है, बात करते करते थोड़ा बढ़ गया। चलो एक काम करें, फिर जल्दी से खत्म करते हैं। एक नटबस खाली मेरे को एक और ना, बिना देखे बताना वो 6 लाइन। देखो मैं एक्सपेक्ट तो नहीं करता, स्टिल मन में एक छोटी सी आशा है कि शायद कोई बता दे। कोई बताओ कॉस्ट शीट का पहला लाइन क्या था? रॉ मटेरियल, या एक और नाम क्या था? डायरेक्ट मटेरियल। बताओ सेकंड लाइन क्या था? डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री में कौन से डिपार्टमेंट के वर्कर का वेजेस था? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तीसरा लाइन, तीनों मिला के प्राइम का मतलब क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट एसेंशियल। अगला लेंगे फैक्ट्री का सारा खर्चा, फैक्ट्री एक्सपेंस। अगला लेंगे हेड ऑफिस का सारा खर्चा। तीसरा लेंगे
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस सब मिलाकर क्या आएगा, ऐड करेंगे प्रॉफिट, क्या मिलेगा, सेल। बोलो क्लियर है? एक मिनट, ये पढ़ते पढ़ते क्या तुम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन तो नहीं भूल गया? पक्का? कोई नीचे नहीं देखेगा, नीचे देखा आंख नोच लेंगे। आई एम राक्षस टाइप आदमी। चलो आप बताना कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन। आई डिनोट द मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विद तीन वर्ड आर यूज बाय फॉर मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कुल मिलाकर है चार, प्रोडक्ट वाइज सेल, प्रोडक्ट वाइज सेल मिला, कॉस्ट मिला, जैसे ही प्रॉफिट मिला कौन तैयार हो, क्या लेने के लिए, कितना लेगा, दो या तीन, चार कहां से आ गया भाई, फोर्थ वाला मेरे को बता दे, दो या तीन। पहला लॉस मेकिंग को क्या करें या क्या करें, आप प्रॉफिट मेकिंग के रेशियो निकालेंगे, जिसका रेशियो उसके सेल को, ताकि प्रॉफिट बढ़ेगा। तीसरा क्या था, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन कॉमा इफ पॉसिबल। एक मिनट, ये बोलते बोलते कहीं कॉस्ट शीट का छह लाइन तो नहीं भूल गया? मेरा पहला लाइन क्या था, डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल, सेकंड लाइन, तीसरा लाइन, तीनों मिला के पहला एक्सपेंस, सेकंड वाला, तीसरा वाला, मिलाकर टोटल कॉस्ट एड प्रॉफिट क्या आएगा, सेल। एक मिनट, लोगों ये वाला सच्ची याद था? प्रॉमिस बोलो, वादा करो, लोग बोल भी रहे हैं वादा। एक मिनट, पक्का क्लियर है ना? सच्ची बोलो ना, सच्ची बोलो ना, झूठ मत बोलो, मेरे से झूठ मत बोलो तुम लोग। चलो डन, एक मिनट रुक जाओ। आज देखो अभी एक वीडियो दिखा रहे हैं, आज हम समझाया था ना सिगरेट फैक्ट्री के बारे में। अब डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस के एक बार थोड़ा विजुअलाइज करो। सुनाई नहीं दे रहा है? मेरा आवाज नहीं आ रहा है? आ रहे ना? हेलो, देखो ये मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो पहला मशीन था कटिंग मशीन, उसके अंदर में सबसे पहले पहुंचा टोबैको। ये जा रहा है सबसे पहले कटिंग मशीन के अंदर में कट होने के लिए। यहां पर ऐड हो रहा है मॉइस्चर। मॉइस्चर ऐड होने के बाद अब ये नेक्स्ट जाने वाला है पैकिंग, फ्लेवर ऐड होने के लिए। इधर में मॉइस्चर फ्लेवर दोनों ऐड हो रहा था। यहां पे मॉइस्चर फ्लेवर सब ऐड हुआ, तो पहला कटिंग का काम डन। अगला ऐड हुआ मॉइस्चर फ्लेवर। नेक्स्ट ये जाने वाला है पैकिंग के अंदर में। एक काम करते हैं, हम सीधा लेकर जाते हैं पैकिंग के अंदर में क्या होने वाला है। इसमें मॉइस्चर फ्लेवर सब ऐड होने के बाद अब ये पहुंचा है पैकिंग मशीन के अंदर में, जहां पे हर एक काम ऑटोमेटिकली होगा। इसमें सबसे पहले ये हो गया सिगरेट पेपर, फिल्टर रॉड। इस स्पीड में सिगरेट बनता है जो हम लोग विजुअलाइज भी नहीं कर पाते हैं। ये एक बार ऐड, एक बार सब बना। अब यहां पे ना दो वर्ड हम यूज करेगा, ध्यान देना। अब एक बार ये जो सिगरेट बना है सबसे पहले जाएगा पहला पैक में, जिसमें 10-10 जाता है। उस पैकिंग को बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। वो पैकिंग का नाम है प्राइमरी पैकिंग, जो पहला वाला पैक आया। फिर एक और ये सारे के सारे पैक होने के बाद ये जाएगा अगला इस कार्टन के अंदर में। ये कार्टन को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पैकिंग। तो एक होता है प्राइमरी पैकिंग जो मेरा फर्स्ट लेवल ऑफ पैकिंग है, और बाद में जो एक बड़े कार्टन में जाएगा ताकि गुड्स को आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग। तो मेरा प्राइमरी पैकिंग सेकेंडरी पैकिंग क्या है, तुरंत नेक्स्ट डे काम आएगा। ठीक, अब एक बार ना तुम लोग एक वीडियो में दिखाते हैं डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस। एक कार का जो मेरा सबसे फेवरेट है, माय फेवरेट कार, टाटा नैनो। इसका गुजरात का प्लांट जहां पर ये टाटा नैनो मैन्युफैक्चर होता था।
अब देखते हैं सारा का सारा पार्ट जो कार बनाने में काम आएगा वो डायरेक्टली कार में दिख रहा है मटेरियल, ये सारा क्या रहेगा डायरेक्ट मटेरियल। अब देखो कितने सारे वर्कर, अब ये सारा काम फैक्ट्री में हो रहा है तो ये सब में बहुत खर्चा लग रहा है, तो मेरा सारा कॉस्ट जाएगा फैक्ट्री स्पेस के अंदर में। अब वो जितने वर्कर्स हैं आप इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितने भी वर्कर हैं सारे के सारे वर्कर को वेजेस मिलेगा। और देखिए तुम लोगों को याद है क्या, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वर्कर को जो वेजेस मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट वेजेस। तो ये सारे वर्कर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं ये सारे वर्कर का वेजेस क्या रहेगा, डायरेक्ट वेजेस। अब एक बार ये सारा पार्ट मेरा सारा रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल रहेगा। अब एक बार सारा कार बन जाता है इसके अंदर इसके क्वालिटी को टेस्ट करना जरूरी है। यहां पर क्या टेस्ट किया जा रहा है, सबसे पहले ब्रेक टेस्ट कि भाई एक बार गाड़ी चला रुकेगा ना, ये नहीं चलते जाए जीवन भर। तो पहला हो रहा है ब्रेक टेस्ट। नेक्स्ट ब्रेक टेस्ट होने के बाद ये जाता है शार टेस्ट से, एकदम तेज पानी डाला जाता है ये देखने के लिए कितना ही तेज बारिश आए उसको सस्टेन कर पा रहा है ना। एक बार शार टेस्ट हो जाए उसके बाद ये अगला जाने वाला है ट्रैक टेस्ट में, मतलब इंडिया में जितना तरह का रोड पॉसिबल होता है वो सारा इनके फैक्ट्री में बनाया गया है कि हर तरह के रोड पे चल पा रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, उस चीज को टेस्ट किया जा रहा है। तो ये सब का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके क्वालिटी को चेक करना। और ऑब्वियस बात है इसमें मेरा खर्चा लगेगा, ऐसे कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। ये काम आएगा कॉस्ट शीट के पांचवा क्लास में। तो देखो एक पढ़े प्राइमरी पैकिंग, एक पढ़े सेकेंडरी पैकिंग, एक देखे डायरेक्ट वेजेस इतने वर्कर का, एक देखे डायरेक्ट मटेरियल, और ये सारा जो खर्चा किया गया है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्वालिटी को चेक करना। ये सारे कॉस्ट मेरा कहां जाने वाला है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में। लाइट सारा ऑन कर दो ना, सारा ऑन कर दो। चलो डन, अरे डन, तुम लोग ध्यान दिया ना। कल जब वापस से करवाएगा तुम बीच बीच में थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछेगा। चलो डन, इसी के साथ हमारा आज का क्लास होता है खत्म। थैंक यू सो मच।